बोले नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। जय श्री राधे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सित श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्णा इंद्र पूजा को उन्होंने बंद करवाए और बोले पूजा करना तो श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, गिरिराज तुम्हारी समस्त इच्छाओं को ये गिरिराज पूरी कर देंगे। बोले गिरिराज महाराज की। अभी कृष्ण उन्होंने गिरिराज पूजा की उन्होंने प्रारंभ क्यों करवाई? कहते हमारे टीकाकारों ने उसको पीछे चार कारण बताया। कितना बताया? क्या क्या? आज मैं बोलूंगा कल आपसे सुनूंगा, ठीक है? मन लगा कर सुनो। बोले देखो जगत में 33 करोड़ देवता है। कितना देवता है? अभी कितने को खुश करोगे बोलो? आज इसको खुश कर दिया तो कल उसने मुंह फुला कर बैठ जाएगा, दूसरों को प्रसन्न करो तो तीसरे मुंह फुला कर बैठ जाएगा। इसलिए कृष्ण यहाँ शिक्षा देते हैं ऐसे एक देवता को पूजा करो, जो एक देवता को पूजा करोगे तो तुम्हारी 33 करोड़ देवता पूजा हो जाएगी। कहते वो कौन है? श्री गिरिराज बाबा की जय। कहते ये गिरिराज बाबा कौन है? ये कृष्ण ही है। ये बांके बिहारी एक स्वरूप में तो पूजा करवाए और दूसरे स्वरूप में पूजा को उन्होंने ग्रहण किया है, इसलिए उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करवाई। इंद्र कौन है? स्वर्ग का समस्त देवता का राजा है, हैं? उनकी पूजा बंद करा कर उन्होंने श्री गिरिराज की पूजा करवाए। शिक्षा देते हैं भगवान कृष्ण को एकनिष्ठ होकर के भजन करो, बहुनिष्ठ होकर के भक्ति करोगे ना, आज इसको पूजा कर दिया कल उसकी पूजा कर दिया कल उसकी पूजा कर दिया, फिर तो तुम्हारी सिद्धि हुई होगी। देखो एक समय ध्यान दे कृष्ण, एक मुसलमान और एक हिंदू में लड़ाई हुई। मुसलमान बोले मेरा अल्लाह बड़ा है, हिंदू बोले मेरे भगवान बड़ा। बोले किसके भगवान बड़ा? चलो छत के ऊपर में खड़े होकर के देवता अपना देवता का नाम लेकर हम कूदेंगे, जो बच जाएगा पता चलेगा उसके ठाकुर जी बड़े। अभी वो मुसलमान चढ़ा, वो एक अल्लाह को पुकारा, बोले अल्लाह अगर तू सच्चा है तेरे नाम को लेकर के मैं छलांग लगा रहा हूँ, बच जाऊ। वो तो एक को एक मन से पुकारा, खुदा तो उसको कुछ नहीं हुआ। ये जो हिंदू था उसका तो कोई निष्ठा ही नहीं थी। बोले हे गणेश बाबा आप तो सिद्धि देने वाले हो, आपका नाम को लेकर मैं कूद रहा हूँ, मेरे को बचाना। फिर सोचने लग गया उसकी मैया को थोड़ी क्यों याद नहीं कर ले। अभी गणेश तैयारी थे रक्षा करने के लिए, जब उसकी मैया को बोले हे माता जी हमें बचाना, गणेश जी बोले अभी तो मेरे को पुकार रहा था, अभी मेरे को छोड़ करके माता जी गणेश भागे वहां से। इतने में सोचे भैया थोड़ी सी शंकर जी गणेश जी के पिताजी को क्यों थोड़ी याद नहीं करी। बोले हे भोले बाबा हमें बचाओ तेरे नाम, एक एक कर सबको बुलाते रहे और सबके भाग कर गए और लाश में कूदा ना, हाथ पैर टूट गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में एक साधे और सब साधे सब जाए। जो एकनिष्ठ होकर के एक को मन से पुकारोगे ना फिर तो तुम भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर सबको बोलोगे खुश करेंगे उसको उसको लास्ट में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये बांके बिहारी कृष्ण ऐसे के ठाकुर है जिसके एक को पूजा कराना, जो घर में तुम्हारे लड्डू गोपाल रूप में बैठे तुम देख रहे तो छोटे, लेकिन ये छोटे नहीं बड़े खोटे हैं। ये वो देखने में साधारण लग रहे हैं। ये आज गीता है, आज गीता जयंती है ना, ठाकुर जी कुरुक्षेत्र में ठाकुर जी आज विराट रूप दिखाए। अर्जुन देख मैं कौन हूँ,
अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड 33 करोड़ देवता देख सब मेरे अंदर, मेरे को छोड़ करके जगत में कुछ भी नहीं। इसलिए हे अर्जुन तू सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। बोले पाप नहीं लगेगा? अभी तक तो उसको पूजा करता था, उसको पूजा करता था, उसको पूजा करता था। कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि। अर्जुन कोई चिंता मत करो, समस्त पाप से मैं तेरे को मुक्ति कर दूंगा। क्यों? ये जितने 33 करोड़ देवता है ना, मैंने ही इनको एक एक पोस्ट में मैंने ही नियुक्त किया है। किसको जल मंत्री, किसको वायु मंत्री, किसको वित्त मंत्री, किसको विद्या मंत्री, एक को मैंने जगत में सबको नियुक्त किया। जब मेरे शरण में आ जाओगे सबके सब तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएंगे। इसलिए कहते ना, जहां पर कृपा हरि की हो तहां पर कृपा करे सब कोई। इसलिए एक निष्ठा से भक्ति करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण ने इंद्र पूजा बंद करा दिया, स्वर्ग का जो राजा इंद्र की पूजा उन्होंने बंद करवा दिया। ए इंद्र को जो पता चला ना मेरी पूजा कृष्ण ने बंद कर दिया, उन्होंने एक दूत को भेजे, भैया देख करके आओ क्या हो रहा है। एक दूत देखने के लिए आया तो जितने कृष्ण इंद्र के लिए लड्डू कचौड़ी मालपुआ सब बनाया था ना, कृष्ण सबके सब लेकर गिरिराज की पूजा करा रहे हैं। वे इंद्र को जा करके बोल दिया, बोले तुम्हारी तो पूजा खत्म। वो गिरिराज की पूजा करा रहे हैं सबके सब जितने तेरे लिए खाना बनाए थे। वे इंद्र को तो बड़ा क्रोध आया, बोले अभी मैं दिखाता हूँ। उन्होंने संवर तक में एक 49 पवन को बुलाया, बोले ब्रज को पूरा के पूरा उजाड़ दो ब्रज को। ओले गिरने लगे, हाथी के सूर जैसे बारिश होने लग गए, आंधी तूफान मानव प्रलय मच गया ब्रज में। सारे ब्रजवासी कृष्ण को शरण में गए, बोले प्रभु तुम्हारी बात सुन करके हमने इंद्र पूजा बंद कर, देखो ये इंद्र कितने नटखट कर रहा है। बोले चिंता क्यों करते हो, हमने गिरिराज की पूजा की ना, गिरिराज हमें अपना शरण देंगे। आ जाओ सबके सब सामान को लेकर के आ जाओ। जैसे एक छोटा बच्चा एक छतरी को उठा ले, ऐसे ही कृष्ण बाम हाथ में और कनिष्ठ अंगुल में उन्होंने गिरिराज को उठा लिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, आ जाओ सबके सब गिरिराज की तलेटी में। हे सबके सब गिरिराज की तलेटी में आ गए और ठाकुर को दर्शन करते हुए बड़े कीर्तन कर रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा और कृष्ण का जितने सखा लोग थे सबके सब गिरिराज में अपना डंडे को लेकर के उन्होंने लगा दिए। बोले कन्हैया कब तक तू गिरिराज को उठाओगे, थोड़ा तो चुस्ती ले ले। इतने मैया जसोदा बारंबार मक्खन खिला रही थी, लाला को भूख नहीं लग जाए। मैया कन्हैया को हाथ को मालिश कर रही थी, मेरे लाला का हाथ दर्द नहीं हो जाए। सखा ने कहा कन्हैया थोड़ी सी तू विश्राम ले ले, कब तक गिरिराज को उठाओगे। कृष्ण ने कहा देखो ब्रजवासियों तुमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा। बोले क्यों, क्या मैया का दूध अकेले पिए? हमने मैया की दूध नहीं पी है, हम भी मैया की दूध पी कर रखे, इसलिए हाथ नीचे कर लो। जब उन्होंने नीचे किया ना, इतने में गिरिराज तो धीरे 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 नीचे आने लग गए। जो डंडा लगा कर रखे थे ना, वो डंडा एकदम चुरचुर होने लग गया, डंडा सबके सब है सब फटने लग गया डंडा। बोले कन्हैया हमसे गिरिराज नहीं उठेगा, तू ही गिरिराज उठा ले। अभी सारे ब्रजवासी कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। इतने में श्री राधा रानी सामने आ गई। अभी कृष्ण राधा रानी को देख करके ना खुद को खुद संभाल नहीं पाए। कृष्ण का जो हाथ है ना, कृष्ण है टलमल टलमल कृष्ण करने लग गए और गिरिराज कृष्ण की अंगुष्ठ को ऊपर में, इतने गिरिराज भी डगमगाने लग गए।
इतने में सखावन का कन्या तू किधर देख रहे हो, उधर क्यों देख रहे हो, उधर तक राधा रानी के तरफ में क्यों देख रहे हो हैं? इतने में क्या किया, राधा रानी को एक कपड़े से ढक दिया, क्योंकि कृष्ण राधा रानी को दर्शन करते ही ना, पता नहीं कृष्ण के तो मेरे हृदय क्या हो जाता था, मैं भी खुद नहीं समझ पाता था। क्यों? राधा रानी सब श्री प्रेम स्वरूपिणी भक्ति स्वरूपिणी श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। अभी जब 7 दिन बीत गया, इंद्र ने सारे ताकत उसने लगा दी। इंद्र ने 7 दिन बाद में बोले जाकर के देखो ये ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं। एक दूत आया, वो ऊपर ऊपर से देख देख कर चला गया। बोले महाराज इंद्र एक चिट्ठी की भी नहीं, सब के सब खत्म। उसने और एक को भेजा, भैया तू देख कर क्या, वो तो ऊपर ऊपर देख कर गया था। जब वो नीचे आकर के देखा ना, एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं, वहां का धूल उड़ रहा था। ए सबके सब ब्रजवासी होली गा रहे थे। बोले आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया होरी रे रसिया, होरी रे रसिया की। कल मैंने कहा था आज हम होली महोत्सव करेंगे, गुलाल लाए कि नहीं सबके सब, तो फिर खाली हाथ में आए हो, फिर क्या होली क्या खेलोगे, लाए हो होली? हाँ सबके सब गुलाल लेकर के आओ। बोले श्री होली के रसिया की। अभी सबके सब वो होली खेल रहे थे, वो आकर के देखा, उस इंद्र तो सोच रहा था ब्रज में बड़ी भारी कोई विपत्ति आ जाएगा, कोई विपत्ति नहीं, वो तो संपत्ति है, कृष्ण को दर्शन कर रहे सब आनंद ले रहे। उसने जब वापस गया बोले ये बताओ ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले भैया ब्रजवासियों का सत्यानाश, तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले क्यों? बोले जिसको तुम बालक समझ रखा था वो तो गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठ अंगुल पर धारण करके रखा, ये ब्रजवासी कृष्ण को दर्शन करते हुए होली खेल रहे, नाच रहे, गा रहे हो, तो आनंद उत्सव चल रहा है। इंद्र सोचा ये कौन है, ध्यान लगाया,
ध्यान लगा करके देखा, ये तो मेरे प्रभु है। इंद्रपद को बलि महाराज छीन लिया था इंद्र से। भगवान वामन अवतार रूप में पुनः स्वर्ग राज्य इंद्र को दिया था। कृष्ण की कृपा से ही इंद्रत्व उनकी प्राप्त हुआ। इंद्र तो इतने डर गया, लगता है मेरी इंद्रपद ही गया। वो अमरावती में इंद्राणी को साथ में विश्राम करने के लिए गया, लेकिन इतने घबरा रहा था क्योंकि लगता है इंद्रपद गया, ठाकुर भगा देंगे इंद्रपद से। उसको बेचैन हो गया, फिर गया गुरु जी को पास में, बृहस्पति को पास में। बोले गुरु जी ऐसे ऐसे हो गया, बताओ क्या करे। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले फिर बोले चलो ब्रह्मा को पास में, ये ब्रह्मा जी बताएंगे, क्योंकि ये पितामह ब्रह्मा है, सृष्टि करते हैं। जब ब्रह्मा जी को पास में गए, देखो कृष्ण कैसे, ठाकुर अच्छे तरह से समझो, ऐसे नहीं 7 दिन तो कथा सुने बाद में सब भूल गए, सब याद रख रहे हो ना, क्या दर्शन कर निकाल रहे हो। अच्छे तरह से समझो कृष्ण है कौन। इंद्र जैसे व्यक्ति जिनकी भय से थर थर कांप रहा है, ब्रह्मा जी को पास में जब गए, ब्रह्मा कौन है, जगत को सृष्टि करने वाले, 14 ब्रह्मांड को रचना करने वाले। ब्रह्मा जी कहते हैं तुमने सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। मैं भी कुछ दिन पहले इतने बुरे तरह से मैं भी फंस गया था ना, कितने मेरे को नाक रगड़ना पड़ा कृष्ण के चरण में, फिर जाकर के मेरे को ठाकुर जी बड़े कष्ट से माफ मिला। बोले कैसे। बोले जब कृष्ण उन्होंने अघास रूप वध किया, अघास रूप मतलब पाप स्वरूप है, इतने भयंकर राक्षस था, उसने सर्प रूप धारण करके आया था, कृष्ण को निगल जाएंगे पूरा के पूरा, और उसने मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था, कृष्ण समेत सखाओं को मैं निगल जाऊंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने किया क्या, उसको मार दिए। जब मार दिए उसको ब्रह्म तालु फट गई, और वहां से एक ज्योति निकल करके कृष्ण के शरीर में प्रवेश किया। इसको देख करके देवता लोग तो भगवान कृष्ण की जयकार लगाए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्मा सोचे भैया ब्रज में ये जय जयकार क्यों हो रहे हैं। इतने में उतर करके आए ब्रह्मा जी, देखो कृष्ण 5 साल का बालक और इतने भयंकर दैत्य को उन्होंने मार दिए, और उसका ज्योति भी कृष्ण शरीर में लीन हो गया। बोले भैया कृष्ण कौन है, लगता है तो भगवान। बोले आगे थोड़ा लीला देखते हैं। कृष्ण ग्वाल बाल को साथ में बैठ करके वन भोजन कर रहे थे, जैसे कोई सखा लोग मालपुआ, कोई पकौड़ा, कोई लड्डू, कोई सबके सब अलग अलग लाए थे, खुद खा रहे थे और कृष्ण को दे रहे थे। कृष्ण सबको झूठा खा रहे थे। ब्रह्मा फिर चक्कर में पड़ गए, भैया ये कौन है, अगर ये भगवान होता तो सबका झूठा क्यों खाता है, हम तो भगवान का झूठा खाते हैं ना, भगवान थोड़ी किसके झूठा खाते हैं। क्योंकि कृष्ण तो ब्रज में जन्म हुए, ब्रज में कोई इसको सखा मानते हैं, कोई लाला मानते हैं, कोई उनको भगवान को अपना प्रियतम मानते हैं, कोई ब्रज में कृष्ण को भगवान कोई नहीं मानते, सब अपना परिवार मानते हैं। इतने में ब्रह्मा जी ने क्या किया, परीक्षा करने के लिए ठाकुर जी को उन्होंने कृष्ण की बछड़े को चोरी कर लिया। सखाओं ने बोले हमारे बछड़े तो यही चल रहे थे, गए कहां। जब भागने लग गए ढूंढने के लिए, बोले कृष्ण बोले कोई चिंता मत करो मैं देखता हूं। इतने में जब कृष्ण गए उनको ढूंढने के लिए, इधर जितने सखा है ना इनको भी ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए, और एक गुफा में उनको बंद कर दिया। इसलिए अभी भी एक स्थान है जिस गुफा में उनको बंद कर दिया। आप लोग तो कोई घर छोड़कर, चौका बर्तन छोड़ घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, कैसे ठाकुर के लीला दर्शन करोगे। अब सबका हम ले जाएंगे प्रभु जी, इनको दायित्व तो देकर के यहाँ जाएंगे प्रभु जी, आपको पास में हम फोन करेंगे एक बार इनको सबको लेकर के पूरा 84 जो क्रॉस है ठाकुर जी जहां जहां लीला की, देखो 84 क्रॉस परिक्रमा करने का बड़ा महत्व है। क्या महत्व है, हम ठाकुर जी को भूल करके ये 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष योनि में हम गई कहां गई। बोले गोविंद जय बस वृंदावन बिहारी लाल की। हम ठाकुर जी को भूल करके ये 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष जन्म में हम भटक रहे। अगर कोई व्यक्ति एक बार ये 84 क्रोश परिक्रमा कर रहे, उसको जो 84 लक्ष योनि है ये बंद हो जाए।
आपको और कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसे वृंदावन धाम। और जो ये 84 क्रोश परिक्रमा कर लेगा ना, उसको विश्व ब्रह्मांड का सारे तीर्थ जाने का पुण्य मिल जाएगी, आपको और कहीं जाने का जरूरत नहीं, ऐसे ये श्री वृंदावन धाम। ठीक है ना, कौन कौन जाएगा, सब जाओगे। प्रभु जी आप दोनों के ऊपर, आप दोनों के ऊपर हम दायित्व देंगे। ठीक है, देखो हमारी वहां अच्छे तरह सुनो, वहां दो तरह से परिक्रमा बताएंगे। एक परिक्रमा तो एक महीना पूरा 84 क्रोश एक महीना परिक्रमा करते हैं एक तरह से, दूसरे तरह से करते हैं केवल 7-8 दिन में पूरा गाड़ी लेकर, पूरा गाड़ी में जाना पड़ेगा, 6 दिन तक पूरा गाड़ी में घूमना पड़ेगा और 2 दिन पैदल में है, तब जा करके 8 दिन में ये 84 क्रोश संपूर्ण ब्रजमंडल परिक्रमा हो जाएगी, सारे परिक्रमा हो जाएगी 8 दिन में। 2 दिन पैदल मतलब बहुत ज्यादा नहीं, जो दूर दूर उसको तो हम गाड़ी में जाते हैं, सब गाड़ी में जाएगी, इतना परिश्रम नहीं है, इसलिए ये 8 दिन के अंदर में ये पूरा 84 क्रोश परिक्रमा। लेकिन चल करके जाओगे 1.5 महीना लगेगा, पूरा 1.5 महीना चल करके परिक्रमा लगना पड़ता है। ठीक है, आप दोनों को दायित्व देते हैं, आप सबको लेकर के आना। ठीक है, बोले श्री वृंदावन धाम की, आपको बोल दिया, सब रेडी रहना। अब से पति से थोड़ी थोड़ी छुपा छुपा कर ना पैसा को जमा करते रहना, इसलिए थोड़ी थोड़ी पैसा को डिपॉजिट कर रखना, क्योंकि फिर पैसा मांगोगे फिर पैसा नहीं मिलेगा ना, अभी से थोड़ा थोड़ा संचय करके रखोगे तो फिर तो कोई चिंता नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो, जब हमारे जो मोदी ने जब 500-500 हजार रुपया को उन्होंने बंद किया, जानते हो, पत्नी को जो पति पूछता था तेरे पास में कुछ पैसा है कि नहीं, ध्यान से सुनो, पत्नी बोलती थी जहर खाने के लिए भी पैसा है बोलती थी, लेकिन जब 500 रुपया 1000 रुपया नोट बंद हो गया ना, फिर तो सारे पैसा निकले। कितने पैसा माता जी के पास में, पति सोच रहा है कैसे अपना निपटाए किसी तरह से, लेकिन अपना की पत्नी का ही नहीं निपट रहा है, इतने पैसा। लेकिन पहले बोलती थी 20 खाने के लिए पैसा हमारे पास में है नहीं, फिर तो पता चला कितना पैसा है। हैं, देखो जो माताएं है ना, ध्यान देकर सुनो, माताएं तो बहुत अच्छी है, क्या अच्छी है देखना, जब बेटी की शादी होती है ना, फिर तो सारे पैसा को निकालते, पति सोचता है कहाँ पैसा लाए बेटी की शादी के लिए, लेकिन सब माताएं क्या करती है, सारे पैसा को निकालती है। पति पूछता है इतना पैसा कहाँ से लाए, बोले मेरे को पता ही था, जब आप पैसा देते थे मैं छुपा छुपा करके थोड़ी थोड़ी रखती थी, जानती थी बेटी शादी में इतने पैसा लगेगा। इसलिए जो माता है ना बहुत मदद करने वाले, ऐसे नहीं पैसा को इधर उधर बर्बाद नहीं करती है, पैसा को छुपा छुपा करके अच्छे काम के लिए माताएं सबके सब पैसा रखती है, इसलिए माता तो माता ही। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। इसलिए इतने में ब्रह्मा जी जहां पर उन्होंने ये बच्चों को छुपा करके रखे थे, अभी भी वो गुफा है जहां पर मोह निद्रा में उनको सुला दिया था, इतने में ब्रह्मा जी छुपा करके जब ब्रह्मलोक में पहुंचे, इतने में कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके पहुंच गए। जो दरवान था ना, बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, अगर कोई आए तो घुसने मत देना। इतने में कृष्ण स्वयं जाकर के ब्रह्मा जी की आसन पर दखल कर लिया। जब असली ब्रह्मा पहुंचे ब्रह्मलोक में, उनका जो नौकर थे ना दरवान, दंड लेकर के तो ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े, बोले प्रभु तो सही बोल रहे थे, मेरे कुछ बहु रुपया को मैंने घूमते हुए देखा, हमारा प्रभु तो अंदर में, तू कहां से आ गया। ब्रह्मा बोले हे भगवान मेरे गति को कौन पकड़ कर लिया, उनको पता था मैंने कुछ गलती करके गई। जब ब्रह्मा जी ध्यान लगाए ना, स्वयं बांके बिहारी ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा को गद्दी पर बैठ गए ठाकुर जी स्वयं। फिर तो ब्रह्मा गए और आए, और उधर का जो परमा हमारी परमा में कुछ फर्क है। देखो हमारी जो 1 साल है, 1 साल कितना दिन होता है, 365 दिन में 1 साल होता है, ये देवताओं के लिए ये 1 दिन है देवताओं के लिए। लेकिन उसको जो मोह जन तप सत्य लोग में जाओगे, ब्रह्मा का तो 1 दिन 1000 चतुर्युग मतलब लाख लाख साल बीत जाती है ब्रह्मा की 1 दिन में। वो गए और आए, 1 साल पहले जैसे देखा कृष्ण सखाओं के साथ में लीला कर रहे थे, कृष्ण अपना शरीर से ही सखा और बछड़े को प्रकट करके खुद खुद को साथ में ठाकुर जी लीला कर रहे थे,
ब्रह्मा तो चकरा गए, बोले सबके सब को तो मैंने बंद करके रखा गुफा में, फिर ये कहां से आ गए? हो ना हो कृष्ण उनको तो वापस नहीं ले आए, फिर देखने के लिए गई, बोले नहीं वो तो जय श्री कृष्ण सो रहे हैं। ब्रह्म का चार सर था, इधर दो सर और इधर दो सर, जब उन्होंने एक साथ में देखने के लिए कोशिश की, कृष्ण बोले ब्रह्मा देखो मैं कौन हूं। जितने बछड़े सखा थे ना सब चतुर्भुजधारी नारायण, सबके सब नारायण नारायण, आप ब्रह्म स्तंभ नारायण। ब्रह्मा समझ गए ये मेरे बाप का बाप भी ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं। ये ब्रह्मा खुद कहते हैं, बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। बोले कृष्ण कौन है? बोले अनादि, अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं, वो कौन श्री नारायण है? कहते उनका जो आदि संकर्षण, उनका आदि बलदेव, लेकिन सबका जो मूल कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण है। ये कौन कह रहे हैं? ये पितामह ब्रह्मा कह रहे हैं। सबका जो मूल है ना ये भगवान श्री बांके बिहारी हैं। तब ब्रह्मा जी भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं। हम एक दो श्लोक सुनेंगे, अब अच्छे तरह से सुनना। बोले ज्ञान प्रयास मधुपास्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरीतं भवदीय वार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवां मनोभि जे प्रायस अजीत जितोपि स्त्रैलोक्यां। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप सब मेरे तरफ में देखो, इधर उधर मत देखा करो, बीच में कोई बात मत करो, मैं यहाँ बैठ कर देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए मेरे तरफ सब देखो। कोई एक साड़ी पहन करके आ जाए ना, माता ना माता ये सब कथा सुनना भूल जाते हैं, देखते ये कैसे साड़ी पहन करके आ गई, जैसे साड़ी कभी जिंदगी में देखे नहीं। कथा सुनो ध्यान से, साड़ी की तरफ में नजर मत दिया करो, ठीक है? देखो ब्रह्मा जी क्या कह रहे, बहुत अच्छी बात कह रहे। कहते भगवान का एक नाम है अजीत, अजीत मतलब होता है जिनको पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन अभी ठाकुर को कैसे हम पा सकते हैं? ब्रह्मा जी इसकी उपाय कहते हैं, बोले ज्ञान प्रयास मधुपास्य, मतलब है जो ज्ञान की जो प्रयास को छोड़ दो है ज्ञान की। बोले कौन सा ज्ञान की प्रयास? देखो अच्छे तरह सुनो, कुछ लोग आकर कहते भगवान निरंकार है, ब्रह्मा यहाँ कह रहे हैं भैया ऐसे ज्ञान को त्याग तो भगवान निरंकार नहीं, भगवान निरंकारी होते तो कृष्ण कैसे लीला कर रहे हैं, ये प्रभु राम कैसे लीला कर रहे हैं? अगर वो निरंकारी होते तो लीला कहाँ से कर रहे हैं? कोई तो कहें पहले वो निरंकार था साकार होकर आ गए। बोले जहाँ जीरो है वहां से एक दो आ सकता है, जहाँ सौ है वहां पचास साठ सत्तर दस ले सकते हो, जिसे में संपूर्ण जीरो है वहां से कुछ आ सकता है? इसलिए जो मूल सब जो मूल वस्तु भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण मूल है, जिसको ज्ञानी लोग निराकार कहते हैं। ये उपनिषद कहता है जद अद्वैत ब्रह्म उपनिषद तत्पश्य तनुवा, भगवान इतने प्रकाशशील कृष्ण, इतने प्रकाशमान भगवान, इनकी शरीर का जो प्रकाश ही वो ज्ञानी लोग उनको ज्योति रूप में दर्शन करते हैं। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता, निराकारी नहीं प्राप्त कर सकते, तुम्हारे आकार नहीं तुम कहां से भगवान मिलेंगे बताओ? मीरा को जो मिले गिरधर लाल मिले है ना, गोपियों को कौन मिले? कृष्ण ही तो मिले। हनुमान जी को कौन मिले? राम मिले। सूरदास को कौन मिले? कृष्ण मिले। अभी ध्रुव जी की कथा सुने कौन मिले? नारायण मिले। अगर वो निराकार होता तो मिलते भगवान? बोलो अच्छे तरह से चीज को समझो। कुछ लोग आकर के हमारी सनातन धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, ये सबके सब भ्रष्ट सबके सब है। हमारी सनातन धर्म में जैसे यहाँ पर आपका कुछ मंदिर है, कहीं शंकर जी का मंदिर, कहीं माता देवी के मंदिर, कहीं हनुमान जी का मंदिर, कहीं हमारे कृष्ण का मंदिर, कहीं राम, तभी तो जाकर के दर्शन करते हो। इसलिए हमारे जो सनातन धर्म है इतने महान धर्म है, भगवान खुद कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कौन कह रहा है? कृष्ण खुद कह रहे हैं ये बात को, कहते जब जब ये धर्म हानि होता है तब तक मैं कभी मत्स्य अवतार आता हूँ, कभी कुर्मा अवतार में, कभी नरसिंह अवतार में, कभी राम रूप लेकर के मैं जगत में आता हूँ, मैं जगत में धर्म को स्थापन करता हूँ। अगर वो निराकार होते धर्म स्थापन होता,
अगर हमारे प्रभु राम अगर निराकार होते तो उन्होंने जो मर्यादा के शिक्षा दे कर गए हैं, ये मर्यादा कभी स्थापन हो सकती थी कभी? ये चीज को समझो। अगर कृष्णा आज गीता जयंती आज है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हमारी जो मूल धर्म है, हिंदुओं का जो मूल ग्रंथ है, ये भगवत गीता है। आज ही ये भगवत गीता प्रकाशित हुआ है। आज ही भगवान कुरुक्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को निमित्त करके, जैसे बछड़े को देखे बगैर गैया दूध नहीं देती है, बत्सा कौन था? अर्जुन थे। गैया कौन है? भगवान कृष्ण है। इसलिए उन्होंने अर्जुन को उपदेश उपलक्ष्य करते हुए आज ही भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने गीता की उपदेश दिया है। इसलिए गीता की बड़ी महत्व है। आप लोग जरूर गीता पढ़ा करो, ऐसे कोई आंसर नहीं आप गीता से आपको नहीं मिलेगा, ऐसे कोई आंसर नहीं। आप मेरी छोटी सी कथा सुनाता हूँ, सही कथा सुनाता हूँ, ये अमेरिका की कथा है, अच्छी तरह से सुन लो इसको। ये गीता में है क्या चीज, एक समय में अमेरिका में एक व्यक्ति इतने डिप्रेशन में आ गया वो सुइसाइड करने जा रहा था, वो मरने जा रहा था। अभी वो मरेगा, लेकिन क्या हुआ, जैसे गीता जयंती है, आप देखना हमारे इस्कॉन के जो भक्त लोग, आज भैया भी बोल रहे थे गीता लाएंगे, लाए कुछ गीता, आज आप लोगों को भैया गीता देंगे, इनके लिए ताली बजाओ तो जोर से बोलो प्रभु जी ये गीता दान करेंगे। प्रभु जी देखो ये गीता की कितने महत्व, समझो ये अमेरिका की कथा है, सही घटना है। भले जब ये गीता जयंती आती है ना, देखना इस्कॉन के सब भक्त लोग रोड रोड में खड़े होकर गीता को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, गीता देते हैं। एक दिन अमेरिका में वो गीता बेच रहे थे, एक व्यक्ति प्लेन से उतरा, प्लेन से उतर करके जब जा रहा था तब इस्कॉन से कोई एक भक्त बोले भैया ये गीता लो, वो था क्रिश्चियन, बोले गीता बीता क्या होता है, भागो गीता बीता हम नहीं लेते। और आगे गए वहां पर भी खड़े हुए, बोले भैया गीता लो, बोले गीता बीता क्या होता है, बेकार सब बात है, जिसे काम धाम नहीं गीता पढ़ते हैं। लेकिन देखा ऐसे ही 8-10 लोग खड़े हुए, उसने सोचा भैया कितने को मैं निगलेक्ट करूं, $2-3 दे करके उन्होंने एक गीता को उन्होंने खरीद कर लिया, बोले दे दो एक गीता ले लो। लेकिन सोचा ये तो बेकार चीज है, जिसका कोई काम धाम नहीं वही सब बैठ कर गीता पढ़ते हैं। इसलिए उसने ये गीता को क्या किया, उसने ड्रम में गीता को रख लिया। जब गीता को ड्रम में रख लिया, जब उसने इतने डिप्रेशन में आ गया, अभी वो एक छोटा बंदूक था, अभी जिस ड्रम में ये बंदूक था ना, उसी ड्रम में ही भगवत गीता थी। उसने जब बंदूक को पकड़ने के लिए गया, वो बंदूक तो हाथ में नहीं आया, आया क्या है, भगवत गीता आया। जब गीता आया तो मरने जा रहा था, उसने खोला गीते को, देखो ठाकुर कितना कृपा है। जब उसने पन्ने को खोले, उसमें कृष्ण खुद कह रहे हैं, हे अर्जुन ये जो संसार है दुखा लयम असासत, ये कृष्ण कहते हैं, ये संसार दुख का ही एक घर है। संसार में कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से, कोई पैसा से दुखी, दुखी संसार है। कृष्ण खुद कहते हैं ये संसार दुखा लयम असास्वतम, असास्वतम मतलब है ये जगत में कोई भी वस्तु आपको टेम्पररी, सबके सब टेम्पररी, कोई परमानेंट है नहीं, एक दिन सबके सब नष्ट होने वाले वस्तु है। इसलिए कृष्ण कहते अगर जीवन में कोई शांति सुख अगर पाना चाहते हैं, हे अर्जुन कहते माम उपतु तू कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते, जब कोई व्यक्ति मेरे शरण में आते हैं तभी उसको परम शांति परम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हे अर्जुन ये जो शरीर है, ये शरीर एक कपड़ा है, जैसे कोई कपड़ा पुराना हो जाने पर हम छोड़ करके हमने नए कपड़ा धारण करते हैं, उसी तरह ये शरीर जो वृद्धावस्था होता है, ये शरीर को छोड़ करके जो आत्मा है एक शरीर से ये दूसरे शरीर को जाता है। लेकिन जो आत्मा है ये न जायते न मृयते और जो नित्य और शाश्वत ये आत्मा है। लेकिन ये जो आत्मा है किसकी अंश है, ये परमात्मा की अंश है, ये आत्मा परमात्मा की अंश है। इसलिए जब तक ये जीव प्रभु की शरण में नहीं जाए, ये जीव कभी इस संसार में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, ये सांसारिक वस्तु कभी तुम्हें सुख नहीं देगा। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे आप दिया जलाओ, अच्छे तरह से सुनो, जैसे आपने दिया जलाओ उसका लो किधर जाता है, अरे बोलो उसका लो किधर जाएगी, क्यों ऊपर क्यों जाएगी, क्योंकि उसका जो मूल है ना सूरज, अच्छे तरह समझो सूरज है,
जैसे पानी को डालो, वो पानी किधर जाएगी? अरे बोलो, पानी किधर जाएगी? नीचे जाएगी। नीचे जाकर कहाँ मिलेगी? नाली में। फिर नाली से जाकर नदी में, नदी जाकर कहाँ, लास्ट में कहाँ मिलेगा? समुद्र में। क्योंकि जो पानी है, ये सूरज उसको बाष्पीभूत करके वही मेघ बन करके आया। जैसे एक ऊपर में एक पत्थर को फेंको, नहीं तो मिट्टी को, वो किधर आएगा? अरे बोलो किधर आएगा? नीचे। नीचे क्यों आएगा? इसके माध्याकर्षण शक्ति बा, इसका मूल ये पृथ्वी है। इसलिए उसी तरह हम भी जुग संसार में क्या चाहते हो? सुख चाहते हो? बताओ संसार में कौन दुख चाहता है? हाथ उठाओ तो। आप बताओ संसार में कौन सुख, सुख कौन चाहता है? हाथ उठाओ। सब चाहते हैं सुख, सब चाहते हैं ना। आपको पता है हम क्यों दुख नहीं चाह करके सुख चाह रहे हैं? बता सकते हो क्यों हम सुख चाहते, दुख क्यों नहीं चाह रहे हो? कारण है, हम सबके सब भगवान कौन है? आनंद स्वरूप भगवान है। भगवान रस स्वरूप है ठाकुर जी, भगवान आनंद स्वरूप है। हम सबके सब भगवान की संतान है। संतान होने का नाते भगवान आनंद स्वरूप रस स्वरूप, इसलिए हम आनंद को चाह रहे। हम क्या चाह रहे हैं? आनंद चाह रहे। क्यों? हम आनंद का ही अंश है, हैं? इसलिए वो आनंद कहाँ मिलेगा? वो ठाकुर की शरण में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। ठाकुर के चरण में ही मिलेगा, संसार में नहीं मिलेगा आनंद। आनंद तो ठाकुर के चरण में। देखो वो व्यक्ति सुइसाइड करने जा रहा था, चुपचाप वहां पर बैठो कथा सुन। इसलिए वो व्यक्ति जा रहा था मरने के लिए, वो व्यक्ति जा रहा था, लेकिन उसने किया गया जो गीता है ना, रात भर तो उसने गीता पढ़ी। इसने सुइसाइड करना छोड़ दिया, रात भर उसने गीता पढ़ी, उसको इतने दिव्य ज्ञान मिला। वो आनंद कहाँ ढूंढ रहा था? संसार में आनंद ढूंढ रहा था, लेकिन ये संसार में आनंद है ही नहीं। जो संसार में खुद दुखी, स्वयं एक दिन मरने वाले, वो हमें आनंद क्या देगा? वो दे ही नहीं सकता है। जो आनंद स्वरूप, वही हमें आनंद दे सकता है। रात भर उसने गीता पढ़ी और उसने देखा, भैया गीता आई कैसी ग्रंथ? उसमें फोन नंबर था, उसने वहां फोन किया। फोन किया तो इस्कॉन का कोई सेंटर था, बोले आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। बोले आओ मिलो। दूसरे दिन गया, जाकर के वहां पर मिला और उसने सारी प्रश्न किया उन लोगों को। मैं संसार में इतने डिप्रेशन में आ गया था, मैं तो रात को मरने जा रहा था, लेकिन बाई चांस कैसे बंदूक नहीं आकर हाथ में भगवद गीता आ गई, ये मेरे प्राण बचा दिया। ये कहता है जब तक ये जीव ठाकुर की शरण में नहीं जाए, कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप बताओ मेरे को सुख कैसे मिलेगी? तो उन लोगों ने बोले, देखो हम भगवान की संतान, ठाकुर ही हमारे पिता है, जब तक तुम उनकी भक्ति नहीं करोगे, कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते हो। ठाकुर कलयुग में सबसे सरल उपाय बोले, मेरे नाम को जप कर, इसी से शांति मिलेगी। इसलिए सबके सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा, कोई बोल नहीं रहे, हरे हरे, हरे राम, राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के भजन करो, शांति मिलेगा। उसने ऐसे भजन किया, अभी वो व्यक्ति जिंदा है। ऐसे हमारे जैसे सन्यासी है, संपूर्ण विश्व में अभी ये गीता धर्म को सब, एक क्रिश्चियन हो करके ये गीता को संपूर्ण विश्व में अभी वो व्यक्ति प्रचार कर रहा है। इतने महत्वपूर्ण ये गीता है। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो, क्या करो? क्या पढ़ोगे? गीता जरूर पढ़ा करो, ठीक है? कम से कम एक एक श्लोकों को पढ़ो और उसमें व्याख्या है। 5 मिनट कम से कम पढ़ो। कितना पढ़ोगे? कम से कम 5-10 मिनट गीता को पढ़ो, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, समस्त प्रश्न का आंसर मिलेगा। हमारी सनातन धर्म को इतनी हम जरूर रक्षा कर सकते हैं, ठीक है ना? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए बोले भगवान निराकार नहीं है, भगवान आकार है। हमारे कृष्ण, राम, नारायण, हनुमान, ये कोई भी निराकार नहीं है, ये सबके सब आकार है और भगवान की सबके सब भक्ति करते। इसलिए ब्रह्मा जी कहती है, चीज को त्याग दो, भगवान निराकार चीज को त्याग, ज्ञान प्रयास मुद्दुपास्य, इसकी चेष्टा संपूर्ण खत्म करो। क्या करो? नमंत एव जीवंति सन्मुखरीतम भवद्य वार्ता, भगवान की कथा को ही जीवन का प्राण बना। रोज रोज गीता हो, रामायण हो, हमारी भागवत हो, कुछ ना कुछ रोज थोड़ी थोड़ी ये ज्ञान को आहरण कर पढ़ो,
जैसे मुसलमान लोग बच्चों को पुराण पढ़ाते हैं, हैं? कल जब हम जा रहे थे ना, जा रहे थे सहारनपुर, देखा पूरा के पूरा सारे मुसलमान के बच्चे टोपी पहन करके, कौन सा स्कूल था ये? मदर, उनका जो मदर साहब उनको जो स्कूल से आ रहे थे। हमारे भैया तो अच्छे हैं, एक स्कूल चला रहे हैं, अब कोशिश कर उसमें ये भगवत गीता रामायण कुछ ना कुछ उसमें रखने के लिए, बच्चों को संस्कारी करने के लिए, ठीक है ना। उसमें मास्टर को भी बोलो तुम भी गीता रामायण को पढ़ो, और बच्चों को भी हमारे हिंदू बच्चों को कुछ संस्कार डाले, नहीं तो धीरे 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 हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा दुनिया में, ठीक है ना। ठीक है भैया, जरूर इसको थोड़ी सी कोशिश करो, और बीच बीच में कोशिश करके हम भी किसी को आपको वहाँ भेजने के लिए स्कूल में, जो बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी गीता की ज्ञान देगा, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए क्या करो, कहते भगवान की कथा, भगवान की कथाओं को श्रवण करो काय मन और वाक्य से। काय मतलब शरीर, शरीर मतलब जैसे कथा में आए हो, आकर के जहाँ कथा होती है प्रणाम करो। मन मतलब मन नहीं होगा तो कथा नहीं सुन सकती हो, अगर शरीर यहाँ पर मन घर में तो कथा कैसे सुनोगे। कहते वाक्य, देखो ये चीज को समझो, ये ब्रह्मा कहते हैं, जैसे यहाँ पर कथा आपने सुनी हमारे धर्म कैसे प्रचार होगा। अगर आप जाकर के सुन करके अपनी तक अगर ज्ञान को रख लोगे ना, फिर ये धर्म प्रचार नहीं हो सकता है। मैं जब अगली बार आऊंगा एक चीज आपसे मैं लूंगा, कम से कम एक एक व्यक्ति 10-10 व्यक्तियों को कथा सुना करके उनको भक्त बनाऊंगा। कितने कितने व्यक्तियों को कथा सुनाओगे, करोगे सही सही? जब मैं आऊंगा देखूंगा, मैं पूछूंगा बताओ तुम 10 व्यक्तियों को भक्त बनाया, भगवान की बाहर में समझा करके उनको कुछ ज्ञान दिया कि नहीं। अगर किसी व्यक्ति को देखो, हमारे बड़े गुरुजी कहते थे एक व्यक्ति को अगर प्रभु की भजन में लगा दिया, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन सबसे मेरे प्यारे कौन है, सबसे मेरे प्यारे हैं कि जगत में जितने जीव सब मेरे बच्चे, लेकिन मेरे से दूर होकर दुख कष्ट भोग कर रहे, हमसे दूर हो गए। अगर उनकी खोए हुए बच्चों को अगर कोई वापस ले आएगा तो कृष्ण कहते हैं वो सबसे मेरे सबसे ज्यादा प्यारे हैं। इसलिए कृष्ण कहते जो मेरी कथाओं को जगत में प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, वो सबसे ज्यादा मेरे प्यारे, वही सबसे ज्यादा प्यारे कृष्ण खुद कहते हैं। जब अगली बार आऊंगा कोशिश करना एक एक माताएं, कितने कितने माताओं को भक्त बनाओगे, 10-10 सही बोल रहे हो। अगली बार आऊंगा तो मैं देखूंगा कितने लोगों को कथा सुनाया और कितने को तुमने भगवान की भक्ति में लाई। जैसे यहाँ पर हमारे नुपुर दास है ना, कहाँ गई ये नुपुर दास, खड़े हो जाए देखो, ये जो माता जी ने जो कथा हो रही ना, इसने ही व्यवस्था की। अभी आज हम किसको घर में गए थे, रोज रोज एक एक घर में यहाँ रहते रहे, रोज सहारनपुर जा रहे हैं, और हर घर घर में हम प्रोग्राम करके आते हैं और कोशिश करते हर घर में जैसे भक्ति की प्रचार करें। ये भी भक्ति करती हैं, ये भी कोशिश की है। देखो एक व्यक्ति कोशिश किया तो कितने व्यक्ति भक्त बने। अगर आप सबके सब कोशिश करोगे ना, हमारे संपूर्ण जो भारत है भगवान के भक्त बन जाएंगे, कोई नास्तिक नहीं रहेंगे, सबके सब ठाकुर जी की भक्त बन जाएंगे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जो कथा को सुनते हो जाकर के दूसरों को भी वो कथा को सुना। और क्या बोले स्थाने स्थिता, हाँ ध्यान देकर सुनेगा। जैसे हम किसको बोले भैया थोड़ा भगवान की भजन करो, बोले अभी क्या भजन करेंगे, अभी क्या थोड़ी हम मर रहे हैं, अभी तो बहुत दिन तक हम जिंदा रहेंगे, हाँ जब बड़े बूढ़े हो जाएंगे, जो काम धाम कुछ नहीं रह जाएगा, एक दो माला सटका लेंगे, अभी से क्या भजन करेंगे। देखो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की जो भक्ति है ना, ये बचपन से 5 साल उम्र से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। बोले 5 साल उम्र से क्यों भक्ति करे, रिटायर्ड लाइफ में क्यों भक्ति नहीं करे। बोले सरकार रिटायर्ड क्यों करता है, जब देखता है ये व्यक्ति किसी काम की नहीं रह गया, इनसे कुछ होने वाले नहीं, तब तो सरकार रिटायर कर देता है ना, हैं? बोले भैया जो कुछ होने का तुम्हारी हो गया, अब तुम जाओ, तुम अभी जाओ, मगर जो कुछ हो गया है ना, तभी तो रिटायर करते हैं। कि जब सारे काम से रिटायर हो जाओगे फिर भगवान की भक्ति कैसे करोगे। इसलिए थोड़ी समय बैठिए, बैठो। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान की भक्ति 5 साल उम्र से करनी चाहिए। कितने साल उम्र से करनी चाहिए, 5 साल से क्यों करे। देखो इसका क्या उदाहरण देते हैं,
तो प्रहलाद जो बच्चों को ज्ञान दे रहे थे 5 साल से भजन करना, बोले भैया जब बड़े हो जाएंगे करेंगे भक्ति। तब प्रहलाद कहते हैं क्या तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड क्या है? जैसे कोरोना आई, आपको पता होगा कितने लोग कोरोना में चले गए, किसको पता था कोरोना में इतने जल्दी चले जाएंगे? इसलिए कहते कोई हमारे पास में कोई गारंटी कार्ड है? हमारे पास में किसको पास में कोई है? नहीं। फिर बोले अगर इसी जीवन में नहीं होगा फिर अगली जीवन में भजन हम करेंगे। प्रहलाद कहते हैं देखो दुर्लभम मनुष्य जन्मम, ये जो मानव शरीर है ये 84 लाख जन्मों के बाद में मिला है, ये ठाकुर जी दोबारा ये जीवन नहीं देंगे हैं। तब उन्होंने अच्छी अच्छी उदाहरण देकर समझाई हमें बचपन से क्यों करनी चाहिए, बड़े में क्यों नहीं। देखो उन्होंने क्या उदाहरण दिया, जैसे कोई जब फूल खिलता है, वो जब फूल खिलता है तब तो ठाकुर के चरण में चढ़ता है ना, जब कोई फूल मुरझा जाए फिर ठाकुर के चरण में चढ़ेगी नहीं। जब देखना मिट्टी जब कच्चा रहता है, कच्चा मिट्टी में जो कुछ चाहो आप बना सकते हो, लेकिन ये मिट्टी जब पक जाती है फिर उसमें कुछ चीज बनती है क्या? नहीं बनती है। जब बांस को देखना, जब बांस कच्चा होना आप जिधर टेढ़ा करना तो टेढ़ा कर दोगे, लेकिन ये बांस जब पक जाती है वो टेढ़ा होगी, वो टूट जाएगी लेकिन टेढ़ा नहीं होगी। जैसे कोरे कागज है, कोरे कागज के ऊपर में जो कुछ लिखना आप देखना लिख जाएगी, लेकिन कागज के ऊपर जब एक बार लिख जाए देखना दो बार उसको ऊपर फिर लिख नहीं सकते हो। इसलिए प्रहलाद कहते हैं देखो भगवान की जो भक्ति है ना, ये बचपन से प्रभु की भक्ति करने का आदत करो। अगर जो चीज बचपन से करोगे ना वही चीज अंतिम समय में तुम्हारी संस्कार आएगी। जैसे ध्रुव प्रहलाद की कथा सुने, कितने उम्र में भजन की ध्रुव प्रहलाद? 5 साल उम्र में। मीरा कितने उम्र से भक्ति की? बचपन में। मीरा जब छोटी लड़की थी ना, ये छोटी बच्ची जैसे लड़की थी, एक दिन कोई बारात जा रहा था, इतने में मैया से पूछे बोले मैया ये क्या है? बोले बारात जा रही ये दुल्हा है। इतने में मीरा बोली मैया मेरे दुल्हा कौन है? मैया बोली तेरे जो दुल्हा है ना ये ठाकुर जी, कृष्ण को लड्डू गोपाल को दिखा दिया। बोले ये मेरे दुल्हा? बोले हाँ। तब से मैया की लगन लग गई कन्हैया से। हनुमान जी कितने उम्र से भजन की? बचपन से। तुलसीदास जी का भजन करे बचपन से, कोई बूढ़ा होकर भजन नहीं किए। प्रहलाद मना कर देते बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, क्यों? आप रील में जो भरोगे तो वही निकलेगा ना, आप लोग खुद देख लो। बोले 10 मिनट बैठ करके हम ठाकुर को याद करेंगे, 10 मिनट आप खुद देख लेना, 10 मिनट क्या, 1 मिनट भी मन नहीं लगी भजन में, 1 मिनट भी नहीं लगी। क्यों? रील में जो भरा हुआ वही निकलेगा। रील में अगर भक्ति भरेंगे तब तो भक्ति निकलेगा ना, हम तो भक्ति भरे ही नहीं, भक्ति निकलेगा कहां से? इसलिए प्रहलाद को कहते हैं कौमार आचरते प्राज्ञम, जो बुद्धिमान व्यक्ति बचपन से प्रभु की भक्ति करना शुरू करते हैं, ठीक है ना बच्चों? इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं स्थाने स्थिता, मतलब क्या, ठाकुर जी तुमको जिस अवस्था में रखे वहीं से ही भक्ति करना शुरू कर दो, नहीं सारे जब काम निपट जाएगा उसको इतना तभी भजन करेंगे जब सारे काम निपट जाएगा। बोले काम निपटता ना तो खुद निपट जाओगे, काम नहीं निपटेगा? अभी किसको पूछो काम निपटा है? 100 साल के हो गए देखना, 200 साल का प्लानिंग बना कर बैठे हुए, ये करना वो करना, फैक्ट्री बनना, गाड़ी बनना, बाड़ी बनाना, कितने मन में अंदर में कितने संकल्प विकल्प है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते जिस अवस्था में रखे उसी अवस्था से क्या करो, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार आप लोग बोलो, मैं सुनूंगा जोर से बोलो, अरे इसको घुमा लो। हाँ, और एक बार जोर करके बोलो, आज एकादशी है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो ब्रह्मा और एक अच्छी बात कहते हैं, जो ब्रह्मा है ना ये हमारे गुरु जी है, क्योंकि जो मूल पिता भगवान ब्रह्मा है। देखो क्या कहते हैं, बोले जीवन में जो कुछ आता है उसको हंसते हंसते भोग कर लो, कभी किसको ऊपर में दोष मत लगाओ, भैया उसकी वजह से ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, उसने मेरे लिए ऐसे किया।
कहते कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। हमने जैसे बीज बोते हैं ना वैसे वृक्ष आएगा। बताओ अगर हमने चीकू का बीज बोएंगे कौन सा वृक्ष आएगा? केले का बीज बोगे तो, अमृत का बीज बोगे तो, नीम की बीज बोगे तो, करेले का बीज बोगे तो करेला। ये चीज को समझिए, ब्रह्मा कह रहे हैं हमने जैसे कर्म किया है वो कर्म के अनुरूप फल आ रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते भैया किसी को दोष मत लगाओ, उसकी वजह से उसकी कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। हमने जैसे कर्म किया वैसे फल भोग कर रहे हैं। हाँ देखो ब्रह्मा जी, और एक अच्छी बात, ये बात अच्छे तरह समझ लो फिर जीवन में कभी दुखी नहीं बनोगे। अच्छे तरह समझ लो, जैसे कभी कभी हम भगवान की भक्ति करते हैं अगर थोड़ी बहुत कोई दुख आ जाए ना फिर तो हम बिलबिला जाते हैं। कहते हमने कभी किसके लिए बुराई नहीं किया, हमारे जीवन में ये कष्ट क्यों आ रहे हैं, ठाकुर जी का हम इतने भजन करते हैं ये जीवन में इतने कष्ट क्यों आता है। देखो हर चीज को ना पॉजिटिव रूप में लो, नेगेटिव रूप में मत लिया करो। एक छोटी सी कथा सुनो, इसको याद रखना दूसरों को भी समझाना। बोले एक समय दो भाई थे, एक नास्तिक और एक आस्तिक, समझते कि नहीं। एक ठाकुर को मानता दूसरे मानता नहीं। अभी जो नहीं मानता है भाई वो जो भगवान को पूजा करता है ना उसको हर समय हंसी दिलाई करता था। बोले क्या दिन भर माला लेकर हरे कृष्ण करते रहो, ये पत्थर को सामने क्यों दिन भर बैठा, बेकार अपना समय बर्बाद करते हो हैं। तब ऐसे खेली उड़ाया करता था। एक दिन दोनों भाई जा रहे थे निमंत्रण में, अभी जो भाई भक्ति नहीं करता था उसको सोने की मोहर मिल गया। बोले देख मैं भक्ति नहीं करता मेरे को सोने की मोहर मिली, लेकिन और थोड़ी दूर गए ना जो भक्ति करता था उसको पैर में एक लोहे की सीख गड़ गई, वो क्यों खून बहने लग गया। बोले देख लिया तो इतने कृष्ण कृष्ण राम राम करके तेरे को क्या मिला मेरे को क्या मिला, वो तो दुखी हो गया। बोले बात तो सही है। इतने में ठाकुर को बोले ठाकुर जी तेरे में इतने भजन करता हूँ तेरे पूजा करता हूँ तो मेरे लिए ऐसे करते हो, सभी के सामने अपमान करते हो। इतने में ठाकुर जी की आकाशवाणी आई, बेटा दुखी मत हुआ करो, ये मत समझो जो भजन करता है दुखी मिलता है जो नहीं करता है सुख मिलता। सुन लो तुम्हारी दोनों की कथा, ये जो व्यक्ति है ये पूर्व जन्म में बहुत दान पुण्य किया था, आज का दिन उसको राज दरबार में राज तिलक लगने का था, लेकिन वो चुके मेरे मेरे भक्तों की चुगली करता है निंदा करता है, मैंने सारे पुण्य को खत्म करके एक सोने की ढेला देकर उसको बोले तू इतना ही ले ले, तेरी बात तो सुन ले, पहले जन्म में तुमने एक मर्म किया था, आज का दिन राज दरबार में तेरे को फांसी झूलने का था, चूंकि तुम मेरे भजन करते हो भक्ति करते हो तेरी सारे पाप को मैंने खत्म करते गया। जैसे वाल्मीकि ने दशरथ ना करता लेकिन मरा मरा करते करते वाल्मीकि बन गया, इसलिए मैंने तेरे सारे पाप को खत्म कर दी, लेकिन थोड़ी सी बची गई थी किसी तरह से तेरे प्यार में एक मैंने लोहे को सीख करवा दी इसलिए मेरे को छोड़ दिया। ये चीज मत समझो भजन करने वालों को दुख मिलता है नहीं करने वालों को सुख मिलता है, समझ गए कि नहीं। और एक छोटी सी कथा सुनो, अच्छे तरह से याद रखो। आपको मैं प्रश्न करता हूँ, देखता हूँ कौन उत्तर देता है। देखना जैसे गांव में गेहूं की खेती होता है, इसमें बहुत अच्छी रहस्य है। जैसे कि ड्रम में गेहूं डाल देते हो, नीचे एक छेद होता है, जितना जरूरत वहां से निकालते हैं और उसको आटा बना करके रोटी बनाते हो। जैसे इसी साल हमने गेहूं की खेती की लेकिन वो गेहूं छोटा छोटा हुआ, हमने ड्रम में डाल दिया। दूसरे साल जब खेती हुई बहुत बढ़िया खेती हुई, गेहूं का दाना बड़ा बड़ा हुआ, उसको भी ऊपर में डाल दिया। जब नीचे से निकालोगे कौन सा गेहूं पहले निकलेगा, कौन बोलेगा हाथ उठा, बड़ा निकलेगा ना छोटे निकलेगा, छोटा छोटा ना बड़ा निकलेगा, छोटा निकलेगा ना। ये चीज को समझो, जैसे कोई बोलेगा नहीं हम तो बड़ा गेहूं डाला, बड़ा क्यों नहीं निकला, बोले पहले तुमने छोटा गेहूं डाला था, जो डालोगे तो वही निकलेगा ना, बड़ा भी निकलेगा लेकिन जब छोटे खत्म हो जाएगा तभी बड़े तुम्हारी निकलेगा। ये चीज को समझो, जैसे अभी भक्ति कर रहे हो भजन कर रहे हो तुम्हें क्या पता पहले तुमने क्या करके आए, ये तुम्हें तो पता नहीं ना तुमने क्या कर्म करके आए। कहते हम प्रभु का भक्ति की क्यों कष्ट भोग करते हो। जैसे एक व्यक्ति देखना कभी कभी किसी ने मर्डर किया, इसने कुछ नहीं किया, वो केवल साथ में था ये भी जेल में चले जाता है, कभी देखे होंगे अभी जेल साथ चला जाता है, क्यों कारण किया मर्डर इसने नहीं किया ये साथ में था चला गया क्यों। जैसे एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने तीन व्यक्ति को मर्डर कर दिया, लेकिन हमारे भारत का संविधान में अगर किसी ने एक व्यक्ति को मर्डर करे तो आजीवन उसको कारावास, लेकिन उसने कितने मर्डर किया था, तीन, अभी दो उसकी बाकी है, दो उसको अभी बाकी है। दिखता है हमने कुछ नहीं कि हठात जेल में चले गए, क्यों तुम्हारी दो बाकी थी। इसलिए ब्रह्मा ये बात को कह रहे हैं
बोले तत्व अनुकंपा सुसुमिक समान भुंजामी एवात्म कृतम विपाकम, जीवन में जो कुछ आता है अपना कर्म का भाग्य का फल ही आता है, हैं कर्म का फल ही जीवन में भोगना पड़ता है। इसलिए किसी को ऊपर कभी दोष मत लगाओ, क्या करो भगवान की भजन करते रहो, लेकिन भगवान की जो भक्ति ये चीज को अच्छे तरह से समझो। जैसे अजामिल कथा सुने ना, पापी था लेकिन बेटा का नाम नारायण रख लिया, नारायण बोलते 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 अंतिम समय में भगवान को नहीं बोला, अपना बेटा का नाम नारायण लिया, मुक्ति। मतलब भगवान के नाम से क्या नहीं होता है, ठाकुर जी के नाम से क्या नहीं मिलती है, सब कुछ प्रभु की नाम से मिलती है। इसलिए दस्यु रत्नाकर मरा मरा करते करते वाल्मीकि बन गई। अगर हम सीधा अगर प्रभु का नाम ले तो क्या फल नहीं हो सकता क्या? इसलिए पहले उदाहरण दिया था ना, जैसे गेहूं के बीज को जैसे बोते हैं ऐसे फेंक देते हो, लेकिन उल्टा पड़े सुलटा पड़े, लेकिन जब निकलता है कैसे निकलता है? सीधा सीधा निकलेगा। इसका मतलब है अगर किसी तरह से भी ठाकुर का नाम लोगे ना, वो कभी बर्बाद तुम्हारी नहीं जाएगी, उसका फल जरूर तुमको मिलेगा, समझ रहे हो? इसलिए क्या करना, दृढ़ विश्वास पूर्वक क्या करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करते रहो। इसलिए ब्रह्मा जी ये बात कहते हैं, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। इसलिए जिस समय ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति कर रहे थे, लेकिन भगवान तो सखाओं को साथ में मस्ती ले रहे, आनंद ले रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा प्रभु की इतने मैंने स्तुति की, ठाकुर थोड़ा खुश भी नहीं हो रहे। बोले अभी तक तो मैंने प्रभु को स्तुति की, अभी थोड़ी उनकी भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ क्या होता है। तब ब्रह्मा जी उनने ब्रजवासियों को स्तुति की, बोले अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गो ब्रज उपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले मैं ये ब्रजवासियों का महिमा क्या बताऊं, कृष्ण कौन है, ये पूर्ण है, ये ब्रह्म है, ये सनातन है। लेकिन ब्रजवासियों का महिमा तो देखो, कहा कृष्ण सखाओं को दोस्त बन गई। अगर कभी सखा सखा खेलते हैं ना, कन्या कभी हार जाता है ना, श्रीराम कहते कन्या घोड़ा बन, पहले मैं घोड़ा बन चुका हूँ, हार गया, अभी तू हार गया तू घोड़ा बन। कृष्ण अगर कहते मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, बोले घोड़ा नहीं बनोगे, जब मेरी बारी आई तुम तो घोड़ा बना दिया, तुम्हारी बारी आई घोड़ा बन नहीं रहे हो। ए कृष्ण किसे कोई बात मत कर, इसको अलग कर दो। कृष्ण कहते नहीं नहीं मैं घोड़ा बनूंगा, मेरे को अकेले मत कर, कृष्ण स्वयं घोड़ा बनता है। अगर सखाओं को कोई मीठा फल मिल गया, आम मिल गया, सखा लोग बोले कन्या बड़ा मीठो फल है, बोले तू अकेले खाओगे मेरे को नहीं दोगे, कृष्ण छीन करके जूठन खाते हैं। जैसे कृष्ण मक्खन चोरी की, मैया क्या कहती, लाला तुमने मक्खन चोरी की, कृष्ण क्या कहते हैं, बोले मैया मरी मैंने ही मक्खन खायो, सुन मैया मरी मैंने ही मक्खन खायो, सुन मैया मरी भगवान की जय हो। जब श्री ब्रह्मा जी उन्होंने भगवान भक्तों को स्तुति की ना, इतने में ठाकुर जी थोड़ा हंस दिए। जब ठाकुर जी हंस दिए, अभी कृष्ण को पता चला, अभी ब्रह्मा को पता चला कृष्ण का कमजोर कहां पर है। देखो भगवान शिक्षा देते हैं, मेरी सेवा से मेरी स्तुति से मैं जितने खुश होता हूँ ना, अगर कोई अगर मेरे भक्तों को स्तुति करे मैं उससे ज्यादा खुश होता हूँ, उससे ज्यादा खुश होता हूँ। इतने में ब्रह्मा जी भगवान को तीन परिक्रमा लगा करके ब्रह्मा जी वहां से जल्दी जल्दी चल पड़े। बोले प्रभु अगर ये धूल का पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकता है, बारिश का बूंद को कोई गिन सकता है, प्रभु तेरी महिमा को कोई था नहीं पा सकते। एक भजन गाते हैं,
बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयकार आनंद नहीं आया। बोला श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। एक ठाकुर का भजन सुन लो। नंद रानी तेरा लगना, ब्रज रानी तेरा लगना, अरे मैं मन में सो समाए चुके हैं जो गोपाल जी के प्यारे हैं, गोपाल जी को जिन गोपाल जी जिनको प्यारे लगते हैं वो खड़े हो जाएंगे। Thank you.
बोलो हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोले श्री कालियानाथन भगवान की जय। अभी ठाकुर जी कालियों को ऊपर में कैसे कृपा की है हमारे श्री गौर सुंदर प्रभु उसी विषय पर आपको कथा सुनाए। अज्ञानति निरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। एक बार सभी मेरे साथ साथ बोलिए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एकादशी है ना, शास्त्र में बताया जो एक बार नाम लेता है उसको 100 बार नाम लेने का फल मिलता है। कितना बार? 100 बार। क्योंकि आज एकादशी और आज गीता जयंती, इसलिए और एक बार जोर करके जैसे छत उड़ जाए जोर से बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 कुछ कुछ माताओं का तो अभी उधर से मुंह नहीं खुलाता। एक लास्ट बार और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम आराधितम गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नितिलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए समस्त गुरु परंपरा की कृपा याचना करता हूँ। उपस्थित समस्त हरिकथा शौक मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। कल हम लोगों ने बड़े धूमधाम से गिरिराज जी का उत्सव मनाया और गिरिराज जी को कृष्ण ने जब धारण किया था उसके कारणों के विषय में हम श्री गुरुपाद पद्म से श्रवण कर रहे थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके पीछे 4 कारण बताए हैं। उसमें से एक कारण जो मुख्य कारण बतलाते हैं, कहते हैं अभी कृष्ण की आयु हो गई है 7 साल। कृष्ण ने 7 साल की उम्र में 7 कोस गिरिराज 7 दिनों तक धारण किया। और किस कारण से? कहते हैं अभी कृष्ण करना चाहते हैं रासलीला। और जिस तरह से रासलीला के लिए अकेले तो कृष्ण रास कर नहीं सकते, रास के लिए ब्रज गोपियों को अपने प्रतिमानों आकृष्ट करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जैसे मूवीज के अंदर क्या होता है, एक हीरो किसी हीरोइन को आकर्षित करने के लिए क्या करता है, कुछ गुंडों को बुलाता है और हीरोइन के सामने गुंडों को बहुत मारेगा, उनकी पिटाई करेगा। और जब देखते हैं हीरोइन की अरे तो इतना बलवान है, इतना ताकतवर है, तो उसको देखकर क्या करती है, सब अपना मन चित्त प्राण उस हीरो पर न्यौछावर कर देती है। इसी प्रकार ब्रज के हीरो कौन है, ब्रज के नायक है कृष्णचंद्र और ब्रज में जो सारी नायिकाएं हैं ये ब्रज गोपियां। आज कृष्ण गिरिराज गोवर्धन धारण करके मानो ब्रज गोपियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि देखो मेरे समान पराक्रमी मेरे समान बलवान कोई नहीं। ये कृष्ण ने गिरिराज धारण करने की लीला करी। और एक लीला क्या करी,
कृष्ण ने ये कालिया पर नृत्य करा। एक समय कृष्ण जब गौचारण करने के लिए जा रहे थे, आज बलदेव प्रभु की जन्मतिथि उपस्थित हुई तो बलदेव प्रभु नहीं गए, और कृष्ण अब तक तो केवल मात्र छोटे छोटे बछड़े चराते थे, लेकिन अभी कृष्ण ने क्या किया, गैया चराना चालू कर दिया। गौचारण करते करते क्योंकि गर्मी का समय था, सखा और गैया कृष्ण से आगे 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 कालिया हृदय की ओर चली गई, जहां पर कालिया निवास करता था। और उस हृदय का माने यमुना से एक हृदय, हृदय मतलब समझते हैं, एक तालाब तरह का अलग से यमुना से पृथक एक हृदय था वहां पर, उसके अंदर कालिया एक टापू पर निवास करता था। उसके विष के प्रभाव से पूरा जल इतना दूषित हो गया था कि वो उबलता था पानी वहां पर, कोई एक वृक्ष भी वहां पर नहीं था, कोई पक्षी भी उस आकाश मार्ग से निकलता नहीं था, इतना विषैला वहां का पानी था। लेकिन सखा और गैया जब दौड़ते दौड़ते उस हृदय के पास में गए, केवल स्पर्श मात्र ही हुआ था उस जल का, और सारे सखा और बछड़े सब वहीं पर मूर्छित हो गए। अभी कृष्ण को जैसे ही बात पता चली, कृष्ण वहां पर आए, अपनी अमृतमय दृष्टि से सखा और बछड़ों को उन्होंने वापस प्राण संचारित कर दिए। कृष्ण अब मनी मन विचार कर रहे थे कि कालिया का उद्धार करना है, तो कृष्ण ने क्या किया, वहां पर एक वृक्ष था, आप अभी भी अगर कालिया जाओगे वृंदावन में, वहां पर एक वृक्ष है, वो वृक्ष अभी भी जीवित था। यहाँ टीकाकार प्रश्न करते हैं कि सारे वृक्ष तो वहां पर मर गए थे, लेकिन ये एक वृक्ष कैसे बच गया, तब उसका कारण बताते हैं कि इस वृक्ष के ऊपर गरुड़ जी ने अमृत रखा था। आपको पता है नासिक में, हरिद्वार में, वृंदावन में, यहाँ पर सब कुंभ होता है, क्यों होता है, गरुड़ जी जब अपनी माँ को दासी पद से मुक्त करने के लिए अमृत कलश लेकर आ रहे थे, तब इन्हीं चार स्थानों पर गरुड़ जी ने अमृत कलश रखा था, वृंदावन में, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में, तो इसीलिए अमृत का स्पर्श होने के कारण उसी स्थानों पर वहां पर कुंभ होता है, चार साल में एक बार कुंभ होता है। तो इसी वृक्ष के ऊपर अमृत स्पर्श के कारण वहां पर वो अभी भी जीवित था। और मानो टीकाकार लोग कहते हैं कि एक और कारण ये हुआ कि मानो लगता है ये कोई कृष्ण भक्त है, इसे विदित था कि कृष्ण निश्चय ही द्वापर युग में आकर मेरे ऊपर चढ़ के और लीला विलास करेंगे, अपने सखाओं के साथ खेलेंगे, गैयाओं को आकर्षित करेंगे, इसीलिए ये वृक्ष वहां पर विराजमान था। आज कृष्ण ने इसी वृक्ष के ऊपर आरूढ़ होकर सखाओं से कह रहे कि तुम यहीं पर रुको, मैंने सुना है गरुड़ ने इसी वृक्ष के ऊपर अमृत रखा था, मैं चेक करके आता हूँ, होगा तो तुम लोगों को भी पिलाऊंगा। तो कृष्ण ने क्या किया, फट से उस पेड़ के ऊपर गए, और जैसे ही कालिया हृदय के पानी के अंदर छलांग मारी, 400 हाथ ऊपर पानी उछल गया, और कृष्ण तो वहां पर लीला कर रहे हैं, घूमते घूमते पूरे पानी में खलबली मचा दी। पानी उछलकर जब कालिया की गुफा में गया था, कालिया मनी मन विचार कर रहा है कि इतना विषैला पानी, कोई पक्षी भी जहां पर ऊपर से निकलता नहीं था, और ये पानी में आज इतनी हिलोरे कैसे आ गई है, किसने इतना साहस किया कि आज कालिया हृदय के अंदर उतर के और मेरी नींद भंग कर रहा है, मुझे ही चुनौती दे रहा है। कालिया जैसे ही बाहर निकल के आया, कृष्ण को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, इतना छोटा सा बालक और विषैले पानी के अंदर। कृष्ण ने कह दिया भैया आ जाओ, तुमसे दो दो हाथ हो जाए। कृष्ण पहले मानो सुयोग दे दिया कालिया को कि पहले तू जो करना चाहता है कर ले, वरना ये मत कहना कि मुझे मौका नहीं दिया। अभी कालिया ने तो सीधा जाकर कृष्ण के मर्म दर्शन को करने लगा, वहां पर उनके मर्म स्थान को दर्शन करके डसने लगा, और उसके 100 फण थे, लेकिन कृष्ण को तो कुछ भी नहीं हुआ। कालिया ने उसी समय पर कृष्ण के उस शरीर पर लिपट गया, लिपट कर और इतनी जोर से जकड़ के कृष्ण के प्राण हरण करने लगा, और उसी समय पर ब्रज के अंदर इतनी अनहोनी, इतने अपशगुन देखने को मिल गए, सारे कौवे गिद्ध चित्कार कर रहे हैं, सारे पुरुषों के बाम अंग फड़कने लगे, खून की वृष्टि होने लगी है, और सारे ब्रजवासी भी चिंतित हो गए। सखा लोग तो देख देख कर मूर्छित हो रहे थे कि हाय हमारे कन्हैया को आखिर हो क्या गया, मैया यशोदा नंद बाबा ये सभी कृष्ण और गैयाओं के चरण 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 चिन्ह को फॉलो करते करते कालिया रथ पर आ गए, और कालिया रथ पर उपस्थित होकर जैसे ही कृष्ण की ये अवस्था देखी, कालिया ने कृष्ण को जकड़ रखा है, सब राजवासी प्राण त्याग करने को जा रहे थे, मैया यशोदा तो वहीं पर मूर्छित होकर गिर गई, सब कालिया रथ में कूद कर मानो अभी अपने प्राण त्याग देंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि देखो ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। आपने सुना होगा कृष्ण जब द्वारका में थे, समंतक मणि की तलाश में जब गए थे जामवंत की गुफा में, वहां पर 18 दिन तक जामवंत के साथ में युद्ध किया, लेकिन कोई भी द्वारकावासी गुफा के अंदर प्रवेश नहीं किए, और बाहर ही खड़े खड़े कृष्ण की अपेक्षा कर रहे थे। 18 दिन तक जब कृष्ण नहीं निकले
तो द्वारका वासियों ने सोचा कि लगता है कृष्ण मर गए हैं, इसलिए वहीं से वापस लौट गए। लेकिन आज ब्रजवासियों का प्रेम तो देखो, कृष्ण की रक्षा के लिए अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए स्वयं कार्यरत में प्रवेश करके और रक्षा करने को दौड़ रहे हैं। बलदेव प्रभु वहां पर विराजमान थे। बलदेव प्रभु मानो सबको आश्वासन देते हुए कह रहे हैं कि यहीं रुको, कृष्ण अभी इस कार्य को छुट्टी इसके छक्के छुड़ा के और वापस आएगा। अरे अगर तुम प्राण त्याग दोगे तो किसके साथ कृष्ण खेलेंगे, किसके साथ सुंदर सुंदर लीलाएं करेंगे। बलदेव प्रभु कृष्ण को इशारा करके कहने लगे कि देखो कन्हैया, अरे अगर तुझे सांप से खेलने का शौक है तो मेरा जो स्वरूप अनंत देव का स्वरूप है तुम उससे खेलो। अरे कहां एक सड़े गले सांप के साथ तुम खेल रहे हो, तेरे विरह में देख आज ब्रजवासियों की क्या हालत हो रही है, अपने प्राण त्याग करने को जा रहे हैं। केवल मात्र बलदेव प्रभु का इंगित मिला और कृष्ण ने अपने शरीर को विस्तार करना चालू कर दिया, इतना चौड़ा किया, इतना फुला फुला कर बड़ा कर दिया कि कालिया के शरीर की एक एक गांठ चटकने लगी और कालिया तो धीरे 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 उसकी ग्रंथि खुलने लगी। उसी समय पर कृष्ण ने एक छोटा सा स्वरूप धारण करके और निकलकर बाहर आ गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी कृष्ण जंप करके छलांग लगाकर और कालिया के फण के ऊपर चढ़ गए। कालिया के 100 फण थे। जैसे ही कृष्ण ने उसके फण पर चढ़ के नृत्य करना आरंभ किया, कालिया तो कृष्ण को डसने के लिए दौड़ रहा है। जैसे ही एक फण उठाता, कृष्ण उसी के ऊपर पैर दबाकर और उसे जोर से चाप करके और नीचे कर देते। इतने दूसरा फण से आक्रमण करने की चेष्टा करता, कृष्ण उतनी ही तीव्रता से दूसरे फण पर, एक फण से दूसरे फण, दूसरे फण से तीसरे फण, इतने तीव्रता से कृष्ण नृत्य कर रहे थे। सारे देवता लोग भी आकाश मार्ग में उपस्थित होकर अपने वाद्य यंत्र ले आए। शिवजी भी वहां पर उपस्थित थे और शिवजी को बड़ा घमंड था, बड़े अभिमान थे। शिवजी का एक नाम है ना नटवर नटराज, शिवजी का एक नाम है नटराज। शिवजी को बड़ा अभिमान था कि मेरे समान नृत्य करने वाला कोई नहीं। लेकिन आज जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण का नृत्य देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बड़े आनंदित हो गए। टीकाकार लोग कहते हैं कि भैया बड़े बड़े कलाकार देखे होंगे, ब्रज गोपियां सारे ब्रजवासी भी वहां दर्शन कर रहे थे। अरे कोई ग्लास के ऊपर नृत्य करता है, कोई पैरों में परात लेकर नृत्य करता है, कोई तलवार के ऊपर नृत्य करता है, कोई रस्सी के ऊपर नृत्य करता है, कोई सर के ऊपर कलशी या प्रदीप लेकर नृत्य करता है, लेकिन किसी को देखे हो कालिया जैसे सर्प के फणों पर नृत्य करते हुए। श्री सूरदास बाबा बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं इसमें, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। कृष्ण कालिया के फणों पर नृत्य कर रहे थे, सारी ब्रज गोपियां देख देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, बड़ी ही आनंदित हो गई, कृष्ण की प्रति आकर्षित हो गई। और कृष्ण ने जब कालिया का मर्दन किया, उस समय पर सारी नाग पत्नियां, जो नाग की पत्नियां थी, वे दूर देखकर खड़ी थी कि हमारे पति की इतनी दयनीय स्थिति हो रही है, लेकिन अच्छा है ये मर जाए तो अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि खुद तो भजन करता नहीं, खुद तो कृष्ण का विद्वेषी है और हमें भी भजन करने नहीं देता, इसलिए वह दूर खड़ी खड़ी होकर देख रही थी। लेकिन अभी जब उन्होंने देखा कि कृष्ण ने उसके सर पर नृत्य करते करते उसका मुख लहूलुहान हो गया है, मुंह से रक्त की धार निकल रही है, और कृष्ण क्योंकि काले के सर पर मणि थी ना, तो मणि पर नृत्य करते करते कृष्ण के चरण चिन्ह भी बड़े रक्त आंबर के हो गए। उस समय पर कृष्ण ने क्या किया, कालिया को नृत्य करते करते मानो नागपत्नियों की ओर देखा, और नागपत्नियां उसी समय विचार कर रही हैं कि हमें जाकर कृष्ण से प्रार्थना करनी पड़ती है। पहले विचार कर रही थी कि मर जाए तो अच्छा, भैया ऐसा क्यों, क्योंकि स्वयं भजन नहीं करता,
तुलसीदास जी बड़ा सुंदर एक उदाहरण देकर बताते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, एक समय पर मीरा जब उसने भजन करना आरंभ किया तो सारे परिवार वाले उसके विरोधी हो गए। तो मीरा बाई ने तुलसीदास जी को प्रश्न किया था कि मेरे परिवार वाले सब विरोधी हैं और मैं क्या करूं, आप इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, आप ही कुछ उत्तर दीजिए। तुलसीदास जी तब पत्र लिखकर मीरा बाई को समझाते हैं कि जिनके प्रिय न राम विदही तजही संकोटि बैरी यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे, देखो यहाँ पर, कि जिनके प्रिय न राम विदही, जो भगवान का भजन नहीं करते, राम और सीता जिनके प्रिय नहीं है, तजही ताही कोटि बैरी सम, उनको करोड़ करोड़ शत्रु मानकर उनको परित्याग कर दो। भैया कोई उदाहरण है, ऐसा कभी हुआ है? तब तुलसीदास जी उदाहरण भी देते हैं। हाँ, तजत पिता प्रहलाद, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का परित्याग कर दिया, कभी भी पिताजी को पिताजी नहीं कहा, असुर श्रेष्ठ, हिरण्यकशिपु, महाराज, इसी प्रकार करके संबोधित करते थे। प्रहलाद महाराज कितने, एक पिता पुत्र का सबसे घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन उनके पिताजी क्योंकि भगवान से विमुख थे, इस वजह से पिता का परित्याग कर दिया। भरत महतारी, रामायण आप लोगों ने श्रवण करी होगी, भरत महाराज ने अपनी माँ के विरुद्ध हो गए, कभी भी कैकई को माँ नहीं कहा, महारानी कैकई करके संबोधित करते थे। अरे विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को भी त्याग कर दिया, है ना। और बलि महाराज ने अपने गुरुदेव को, हम श्रवण कर रहे थे ना किस प्रकार बलि महाराज की सभा में जब भगवान स्वयं उपस्थित हुए, दान मांग रहे हैं, तब शुक्राचार्य ने आकर कहा कि ये कोई वामन नहीं है, ये साक्षात मोहन है जो तुम्हारा सर्वस्व छीनने के लिए आया है, इसलिए दान मत देना। उस समय पर बलि महाराज ने उनके गुरु का भी परित्याग कर दिया कि आप मुझे भगवान को दान देने से रोक रहे हो, मैं ऐसे गुरु को गुरु नहीं मानता। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए नागपत्नियां पहले तो विचार कर रही थी कि हमारा पति मर जाए तो अच्छा है, लेकिन जब देखा कि कृष्ण के चरणों के छाप पड़ के आज इसका हृदय परिवर्तित हो गया है, उस समय पर सभी ने अपने बच्चों को ले जाकर और कृष्ण की स्तुति करने लगी है। कृष्ण की स्तुति करते करते कृष्ण को प्रणाम करती है और कहती है, कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग्रिरेणो स्पर्शाधिकारा यद्वांछया श्री ललनाचरत्तपो विहाय कामान शुचिरं धृतवता। प्रभु आपके चरणों की क्या वंदना करें हम, आपके चरण इतने अपूर्व हैं, जिन चरणों को बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने हृदय में धारण करने की चेष्टा करते हैं लेकिन आप वहां जाते नहीं, जिन चरणों को स्वयं हम अपने स्तनों पर धारण करने का भी कष्ट अनुभव करती है, लेकिन ऐसे चरणों को आपने क्या किया, बलात् कालिया के सिर पर आप धारण कर रहे हो। कालिया चाहता नहीं है आपके चरणों को अपने सिर पर, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, बलात् उसके सिर पर धारण करके और नृत्य कर रहे हो। प्रभु आपके चरण जो लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है, लक्ष्मी भी स्वयं वैकुंठ का परित्याग करके और बेलवन में तपस्या कर रही है, लेकिन आपके चरण ऐसे, कालिया ने पता नहीं कौन सा पुण्य कर्म किया था जो उसको अनायास ही प्राप्त हो रहे हैं। कृष्ण की स्तुति करी, उस समय पर कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे पति को नहीं मारूंगा, केवल इसके हृदय में अभिमान हो गया था तो उस अभिमान को दूर करने के लिए मैंने इसके सिर पर नृत्य किया। अभी उसी समय पर कालिया ने भी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी, वयम खला सहोत्पत्य तमसा दीर्घमन्वय स्वभावो दुस्तजो नाथ लोकानां यत्सगृहं। कहते हैं प्रभु ये सृष्टि किसने करी है, बोले मैंने। बोले हमें सर्प योनि में किसने बनाया, बोले मैंने ही बनाया है। सर्प का जो स्वभाव है, जो विषैला मुख है, वो किसने बनाया, बोले प्रभु कृष्ण मानो कह रहे मैंने ही। तो बस कृष्ण ये कालिया वहां पर कहने लगा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु आप ही ने तो ये सृष्टि करी है ना हमारी, हमारे ये दुश्चर स्वभाव, हमारे खल स्वभाव जिसको परित्याग करना बड़ा मुश्किल है, ये आप ही ने तो हमारी सृष्टि करी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। उस समय पर कृष्ण कहने लगे कि हमने यदि तुम्हारी सृष्टि करी है तो तुम्हारे लिए एक अलग लोक भी तो बनाया है, जो रमणक द्वीप है जहां पर सारे सर्प निवास करते हैं, तुम वहीं पर जाकर रहो। तो उस समय पर कालिया ने कहा कि देखे प्रभु, गरुड़ के भय से मैं इसी स्थान पर रहता था, शौब्र ऋषि के अभिशाप था, इस वजह से गरुड़ यहाँ आएगा नहीं, तो मैं इसी स्थान पर रहता हूँ। उस समय पर कृष्ण ने कहा कि देखो वृंदावन मेरी लीला भूमि है और यहाँ पर आकर तुमने पूरा जल विषैला कर दिया, अब तुम क्या करो, इस स्थान का परित्याग करके पुनः रमणक द्वीप चले जाओ।
क्योंकि अभी मेरे चरण छाप तुम्हारे सर पर पड़ गए हैं, इसलिए और गरुड़ तुम्हें खाएगा नहीं। अभी तुम सुरक्षित रहोगे, अपने पूरे परिवार को लेकर तुम स्वयं रमणक द्वीप चले जाओ। कृष्ण ने उसी समय पर पुनः वापस यमुना तट पर आकर और ब्रजवासियों के साथ में मिले और ब्रजवासियों को वहां पर सांत्वना हुई। बोलो श्री कालियानाथन भगवान की जय। वांछा कल्पद्रुभश्च कृपा सिंधु भेज पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, ताली बजाओ जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भगवान पिता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्त मनश्चक्रे मायांगमुपाश्रिता। भगवान अभी रास करने जा रहे हैं। भगवान जब रास करने जा रहे थे, इतने में सुखदेव गोस्वामी रास के प्रारंभ में एक श्लोक कहते हैं। बोले भैया जो रास रचया कृष्ण है। कौन है? कृष्ण वो भगवान है, वो कोई जीव नहीं है। वो जीव रास नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण कितने गोपियों को साथ में रास कर रहे थे? बोले 100 करोड़। कितने? इतने कहीं कहीं आया तो 300 करोड़ है। इसलिए और कृष्ण जब द्वारका ठाकुर जी जाते हैं, ठाकुर जी 16108 पटरानियों को साथ में ठाकुर जी शादी किया है। कोई कोई कहते हैं ना, क्या कृष्ण रास कर सकते? हम नहीं कर सकते, हम भी रास कर सकते हैं। आप लोगों ने सब शादी किए हो? कौन कौन शादी किए, हाथ उठाओ। शादी किए हो? जो शादी किए आपको पता होगा एक पत्नी को पालना कितना कठिन, जो शादी किया होगा पता होगा। अब पता है ना, देखो जब एक समय कोई शादी हो रही थी, आप देखना शादी का समय में लड़की जब जाती ससुर घर बहुत रोती है। आप भी रोए होंगे, जब रो रही थी परिवार समझा रहे थे कोई चिंता मत करो, हम भी बीच बीच में आ जाएंगे, तुम भी बीच बीच में आ जाना, कोई चिंता नहीं, मत रोया करो। लेकिन उसका रोना ही बंद नहीं हो रहा है। इतने में पत्नी का चुप हो जा, रोती जा रही है। देखो पत्नी क्या कहती है, जीवन में पहला बार मैंने रो लिया, आज से मेरा रोना बंद, कल से तेरे रोना प्रारंभ हो जाएगा। अभी तो जिंदगी भर तू रोगे, अब मैं रो नहीं रोऊंगा है। इसलिए एक समय किसी एक घर में दो पत्नी थी। पति दिन भर काम करता है, सोचता है घर में जाए पत्नी मीठी मीठी बोली बोलेगी, गर्म गर्म रोटी खिलाएगी, पास में बैठा कर पंखा झुलाएगी, यही तो सोच कर पति आता है ना। जो नियम भी यही है, ऐसे नहीं पति घर में आते ही घर का लड़ाई सारा सुना दो पति को, नहीं सुनानी चाहिए। किंतु क्यों, पहले दिन भर पति काम करके आता है घर में, चाहता है शांति सुख मिले, मत ध्यान देकर सुनो। इसलिए पति आते ही सारे सास बहू की लगड़ा लड़ाई करना शुरू कर दो, नहीं बोलनी चाहिए। इतने में वो जब घर में आता ही, रोज देखे दोनों में लड़ाई, दो पत्नी में, वो कहती है वो ऐसे बोल दिया, वो कहते वो ऐसे बोल दी। अभी पति बड़ा परेशान है, बोला एक काम करता हूँ, दोनों के लिए दो मंजिली बना देता हूँ, एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी, तो शांति बनी रहेगी। अभी जो नीचे रहती है, पति जब बाहर से आते ही वो पहले से ही रोटी पानी बना करके रेडी होकर रहती है, पति आते ही जोर जबरदस्ती पकड़ करके नीचे ले जाती। लेकिन बेचारी जो ऊपर रहती दिन भर परेशान। एक दिन ऊपर वाली को तो बड़ा दुख मिला, बोला आज मैं मजा चखाऊंगी। वो पूरा ऊपर से उतर कर नीचे आ गई, जब पति काम से आए ना सीधा हाथ पकड़ कर ऊपर ले जा रही थी। बोले रोज रोज नीचे चले जाते, मैं ऊपर बैठ जाती रोटी पानी बना कर, चलो ऊपर में। जो नीचे जो रह रही थी ना, बोले भैया मैं भी तो रोटी पानी बना कर बैठी हूँ, वो तो एक हाथ पकड़ कर ले जा रहा था, दूसरे ने टांग पकड़ ली। अभी एक हाथ पकड़ कर खींच रही है, दूसरे टांग पकड़ कर खींच रही है। अभी कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसी समय में कोई एक चोर चोरी करने आया था, उसने देखा भैया घर में अगर दो बीवी हो देखो कैसे नाटक होता है, हैं? उसने तो देखने लग गया, भूल गया चोरी करना। जब बाद में इनकी लड़ाई शांत हुई, देखा घर में चोर घुस करके बैठा हुआ। बोले चोर पकड़ कर ले गए पुलिस को पास में, बोले बताओ इसको क्या सजा दे। चोर कहता है जो सजा दोगे सब सजा लेने के लिए तैयारी, लेकिन एक सजा मत दिया करो, मेरे घर में दो बीवी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भगवान कितने को साथ में रास की? 100 करोड़। हर गोपियां देख रही थी कृष्ण मेरे पास में, हर गोपियां देख रही थी कृष्ण मेरे पास में। एक दिन नारद भी द्वारका में गए, बोले घर में दो पत्नी हो, घर में महाभारत तो होता है, कृष्ण 16108 पाटरणियों को कैसे संभाल रहे हैं? ये भागवत में कथा आती है। जब उन्हें द्वारका में गए, पहले उन्हें रुक्मिणी को घर में प्रवेश किया, देखा ठाकुर जी यज्ञ कर रहे थे, रुक्मिणी को साथ में
बच्चों को लेकर के। जब नारद जी आए, ठाकुर जी स्वागत की, बैठा है चरण पूजा की, बोले नारद जी बीच बीच में आया करो। जब विदाई दिया ना, सत्य भगवान घर में गए, देखा तो बच्चों को साथ में बैठी करके ठाकुर जी पढ़ा रहे। एक घर से दूसरे घर गए, सभी के लिए अलग अलग वहां पर राजमहल था, ऐसे नहीं राजमहल सभी के लिए, 16108 राजमहल थी ठाकुर जी का। जब दूसरे घर में गए, इतने में कृष्ण एक ही बात बताई। जब तीसरे घर में गए, देखा वहां पर ठाकुर जी पासा खेल रहे थे। जब उन्होंने जिस जिस घर में गए ना, नारद जी ठाकुर को अलग अलग लीला करते हुए मिले। नारद तो देख करके बोले हे भगवान, जिस घर में जाओ अलग अलग लीला, और ठाकुर जी यही विदाई देते हैं, पास में जाओ तो बोले बड़े दिनों में आए। भैया ठाकुर ही हमारी इच्छाओं को ना ठाकुर ही पूरी कर सकते हैं, दुनिया में कोई पूरी नहीं कर सकते हैं। बोले श्री वाक्य बिहारी लाल की। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब यहाँ पर उन्होंने रास लीला को प्रारंभ करते हैं, बोले भैया जो रास रचया है ना कोई नहीं, ये स्वयं बांके बिहारी ही रास रचया, ये भगवान है। कौन है? कृष्णा। अरे बोलो भगवान कौन है? भगवान। अभी प्रश्न होता है, भाई भगवान मतलब क्या होता है? बोले भग मतलब होता है ऐश्वर्य, बान जैसे बलवान, धनवान, क्रियावान है। बान मतलब क्या? जैसे ऐश्वर्य का जो अधिकारी, बल का जो बान अधिकारी, उसी तरह भगवान कौन है? समस्त ऐश्वर्य का जो मालिक है। इसलिए शास्त्र ने बताया जिसको अंदर में ये पांच गुण परिपूर्ण रूप में हो वही भगवान। अच्छे तरह से सुनो, नहीं तो कभी कभी क्या हम करते हैं, थोड़ी सी कोई विभूति देख लेना, थोड़ी सी कोई विभूति देख ले हैं, थोड़ी सी कोई जादू देख ले, उसको भगवान भगवान करके पीछे भागने लग जाते। भैया जादूगर कभी भगवान नहीं हो सकता है। सीपीएम पीसी सरकार का नाम सुने होंगे, सबसे बड़ा जादूगर था, तो सबसे बड़ा भगवान वही होगा, वही तो सबसे बड़ा भगवान होगा। फिर नहीं, जादू विद्या दिखाने वाले भगवान नहीं। भगवान मतलब समस्त ऐश्वर्य का जो मालिक, समस्त शक्ति का जो मालिक, समस्त सौंदर्य का मालिक, एक ब्रह्मांड नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं जस्य प्रभा प्रभवतो जग दंड कोटि कोटिषु अशेष वसुधाति विभूति विरनम, मतलब जिनके एक इशारा होने पर एक ब्रह्मांड नहीं, जिनकी कृपा से करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड जहां सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाए, ये भगवान है। जैसे अभी सुना ना, गिरिराज उठाए था कृष्ण, कितना दिन तक गिरिराज उठाए थे ठाकुर जी? 7 दिन तक ना गिरिराज गए हो, कभी तो गए नहीं। जिसको परिक्रमा करने से 7-8 घंटा लगता है, केवल परिक्रमा करने पर, जिनको इतने बड़े गिरिराज ठाकुर जी 7 दिन तक उठा लिया। अभी जिसको भगवान कहते हो, अच्छे तरह से इसको समझो, जिसको भगवान कहते हैं, हम कहते ये भगवान, ये भगवान, एक 10 क्विंटल का पत्थर ला करके ऊपर रख लिया, सारे भगवान निकले जाएंगे सब। अभी सुना ना कालिया, ऊपर कोई चिड़िया तक भी उड़ कर नहीं जा सकते, लेकिन ठाकुर जी कालिया हृदय में, उन्होंने कालिया के सार के ऊपर ठाकुर जी नृत्य किया। ठाकुर जी 5-6 दिन में उन्होंने पुतना को मारे, ब्रज में 3 बार आग लगी, ठाकुर जी 3 बार अग्नि को ठाकुर जी पान किया। ये भगवान हैं। भगवान मतलब होता है अकर तुम कर तुम अन्यथा कर तुम जो सक्य थे सा ईश्वर, दिन को जो रात को जो रात को जो दिन कर सकते हैं। महाभारत देखे हो? कौन कौन महाभारत देखे? भगवान दिन को रात कर दिया था ना, जब जयद्रथ का वध का समय दिन को रात कर दिया ना ठाकुर। इसलिए ठाकुर जी भगवान किसको कहते हैं? जो मरे हुए व्यक्ति को जो जिंदा कर सकते हो ठाकुर जी है। इसलिए भागवत में 3 बार ठाकुर जी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा की। बोले 3 बार कब की? जब ठाकुर जी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, शांतिपुनी आश्रम में 64 दिन में ठाकुर जी 64 विद्या को अध्ययन की। शांतिपुनी ऋषि उनकी पत्नी को बोले देखो ये जो कृष्ण बलराम लगता है ये कोई जीव नहीं, क्योंकि जैसे कोई सीए करता है, कोई इंजीनियरिंग करती है, हाँ देखना साल जिंदगी भर एक सब्जेक्ट को पढ़ करके खत्म नहीं कर सकता है बच्चा, लेकिन उनने 64 कला पृथ्वी में, जितने आर्ट दुनिया में 64 आर्ट से है, लेकिन ठाकुर जी 64 दिन में सारे 64 विद्या को अध्ययन किया। बोले ये जीव कभी नहीं कर सकता है, लगता है ये भगवान। बोले परीक्षा करेंगे। बोले कैसे? बोले जब ये वापस जाएगा ना, गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा, ये हमें गुरु दक्षिणा मांगेगा। हम ऐसे एक चीज मांगे
जो केवल भगवान के सिवाय जो कुछ कर नहीं सकते। बोले क्या मांगेंगे? बोले बचपन में हमारा बेटा मर गया, हम बोलेंगे हमारे मरे हुए बेटे को वापस ला, फिर पता चल जाएगा भगवान। फिर उन्होंने मरे हुए बेटा को मांगे, फिर उन्होंने क्या किए, उन्होंने जम महाराज को जमपुरी में गए और भगवान शंख ध्वनि की। जब शंख बजाए ना, इतने में काल स्वयं थरथर थरथर कांप करके आए। कौन? स्वयं काल, जिसकी डर से अभी कोरोना आया था ना, सबको बंद कर दिया घर में, हैं? ये काल ने, लेकिन वो काल भी थरथर थरथर कांपते कांपते आए, लगता है मेरी बारी आ गई है। बोले क्यों? उन्होंने इंद्र की घमंड भी तोड़े, ब्रह्मा की घमंड भी तोड़े। बोले लगता है मेरी बारी आ गया है। काल स्वयं थरथर कांपते कांपते आए, बोले प्रभु क्या सेवा है? बोले मेरे गुरु पुत्र को वापस दो। ठाकुर जी मरे हुए पुत्र को जमपुरी से वापस लेकर ठाकुर जी आए। अभी देवकी को पता चला मेरे लाला मरे हुए पुत्र को उन्होंने गुरु दक्षिणा दी। देवकी बोली, बोलो कन्हैया मेरे भी छह छह बच्चों को कंस ने मार डाला है, मेरी भी इच्छा हो रही है मेरे मरे हुए छह बेटे को देखना। ठाकुर जी गए, फिर छह बेटे को लेकर के आ गए, फिर छह बेटे को लेकर के आ गए न। फिर द्वारका में ठाकुर जी, एक ब्राह्मण का बच्चा मर जाता था, है मर जाता था, फिर उन्होंने प्रतिज्ञा की। फिर ठाकुर जी फिर जाकर महाकालपुर से, फिर जाकर वैकुंठ से छह बच्चों को ठाकुर जी फिर वापस लेकर गए। भगवान उसे कहते हैं जो मरे हुए व्यक्ति को भी जो बचा सकते हैं, ये भगवान है, हैं? भगवान कोई जीव नहीं हो सकता है। कोई जादू टोना दिखा दिया, किसको नौकरी दे दिया, कोई भगवान हो गए? नहीं, नौकरी देने से मोदी तो कितने लोगों को नौकरी दे रहा है, क्या भगवान हो जाएगा भाई? देखो आप लोग सावधान, इधर उधर भगवान के पीछे मत भटका करो। हमारे भगवान कन्हैया है, हमारे भगवान राम है, और कोई भगवान नहीं, केवल हमारे भगवान राम है, कृष्ण है, हनुमान हमारे गुरु जी है, शंकर जी गुरु जी, ये हमारे गुरु रूप में। लेकिन जो भगवान है ना, कृष्ण राम हमारी भगवान। इसलिए जो नए नए जो भगवान आ रहे हैं ना, इनको चक्कर में मत पड़ा करो, फिर ठग जाओगे जिंदगी भर। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भैया रास रचिया कौन है? कृष्ण रास रचया। बोले श्री रास रचया भगवान की। इसलिए जिस समय भगवान ने बंसी ध्वनि की, गोपियां कोई घर की काम कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई अपना बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई एक आंख में काजल लगाई, दूसरे आंख में काजल लगाने जा रही थी। लेकिन कृष्ण जब बंसी ध्वनि की, राधा रानी तो सुन रही थी बंसुरी से केवल राधे 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 नाम। ललिता सुन रही थी केवल राधे राधे ललिता ललिता। विशाखा सुन रही थी केवल विशाखा विशाखा शब्द आ रही। सबके सब सारे काम धाम को छोड़ करके सबके सब भागते भागते भगवान कृष्ण को पास में आए। भगवान सबको स्वागत किया है, बोले स्वागतम मे महाभागा। भगवान सबको स्वागत किए, क्यों? तुम लोगों ने सब छोड़ करके तुम लोग मेरे शरण में आए हो। कृष्ण बोले देखो देखो कृष्ण क्या शिक्षा देते हैं। बोले तुम लोग पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता नारी के लिए एक धर्म है, पति भले ही जो कुछ क्यों नहीं हो, निकम्मा लंगड़े लूढ़े क्यों नहीं हो, पत्नी के लिए जो पति है ना, ये भगवान है, ये परमात्मा है पति के लिए। इसलिए पतिव्रता नारी का धर्म है अपना पति की सेवा करनी चाहिए। हाँ तुम लोग आए हो जंगल की स्वभाव को दर्शन करो, स्वभाव को दर्शन करते हुए तुम लोग चले जाओ और अपना पति की सेवा करो। देखो कृष्ण और एक बात कहते हैं, बोले देखो जो पतिव्रता स्त्री है उनको बीच रात में घर छोड़ करके अकेले नहीं जानी चाहिए। देखो तुम लोग तो हिंदू हैं, अभी तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति नष्ट होती जा रही है। पहले माताएं कभी अकेले नहीं जाती थी बाहर, कोई जाती थी? अगर कोई माताएं जाएगा तो भाई जाएगा, नहीं तो पिताजी को साथ में जाएगा, नहीं तो पति को साथ में जाएगा, ये नियम था ना। कभी लड़कियां पहले घर से अकेले जाती थी क्या? कभी आपने देखे हो? कृष्ण खुद कहते हैं ये पतिव्रता धर्म को स्त्रियों के लिए बताए, स्त्री किए यार बोलते हैं बचपन में पिता माता के अधीन में रहनी चाहिए, बड़े हो गए तो पति के अधीन में रहो, जो बड़े बूढ़े हो गए अपना बेटे को अधीन में रहो। ये उदाहरण ठाकुर कहते हैं, स्त्री जाति को उदाहरण दिया, जैसे आटा को जैसे मल दो, अगर घर की कोने में रखोगे ना चूहा खा जाएगा, अगर उसको ऊपर रखोगे तो कौवा खा जाएगा, कौवा खा जाएगी, कहते स्त्री स्वरूप ऐसे ही है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कभी भी पतिव्रता नारियों को अकेले घर से रात में नहीं निकलनी
चाहिए, भगवान मना करते हैं, हैं? इसलिए तुम लोग पति प्रता नारी आए हो, अच्छा हुआ जंगल की स्वभाव को दर्शन किया, अभी घर में वापस चल जाओ, अपना पति को सेवा करो। इतने में कृष्ण एक सुंदर कथा सुनाए, बोले देखो जो स्त्रियां जीवन में पतिव्रता धर्म जाजन करती हैं, कितने शक्ति, देखो ठाकुर स्वयं कथा सुना रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं एक समय दो पति पत्नी रहती थी, घर में एक बच्चा था जो बच्चा केवल घुटन पर चलना ही सिखाए, हैं? इतने में पति क्या कर रहा था, पति पत्नी की जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहा था। पहले घर में जो रसोई बनाती थी कैसे, कंडे से नहीं तो लकड़ी से, थोड़ी देर पहले उन्होंने चूल्हा जलाई, चूल्हे में रसोई बनाई, अभी आग धधक रही। अब जो छोटा बच्चा था ना घुटन पर चलने वाला बच्चा जग गया, और जगते जगते घुटन में चलते चलते पूरा आग को पास में चला गया, अभी आग में गिरने वाले। पत्नी तो द्विविधा में पड़ी गई, अभी मेरे को क्या करनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को मैं रक्षा करने के लिए जाऊं, पति मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे हैं, अगर मैं पति को जगाऊंगा मेरी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगी, पति का नींद खराब हो जाएगी, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगी, अभी बड़ी द्विविधा में पड़ी गई। बोले देखो मैं पतिव्रता नारी हूं, पहला कर्तव्य अपना पतिव्रता को रक्षा करें। बच्चे ही भले ही चूल्हे में गिरे, देखते देखते बच्चा तो चूल्हे में गिर गया। इतने में पति की नींद खोली, बोले लाला कहां, बोले चूल्हे में गिर पड़ा, बोले तुमने रक्षा नहीं की, बोले आप मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे थे, आपको मैं जगा देती तो मेरी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता, इसलिए मैंने गया नहीं। बोले चलो चलो देखते हैं, जब जा करके देखा है ना, कभी पतिव्रता धर्म भगवान ने सिखा देते हैं, इतने पतिव्रता धर्म की शक्ति थी उसको सामने, जो आग शांत हो गई थी, वो ठंडा हो गया था, बच्चा चूल्हे के ऊपर में किलकार मारते हुए बच्चा खेल रहा था, बच्चे को वहां से उठा करके ले आए। कृष्ण ने कहा देखा जो स्त्री अपना पतिव्रता धर्म जाजन करती है, कितने उसकी पतिव्रता धर्म में कितने शक्ति है, बड़ी शक्ति। तब गोपियों ने कहा कृष्ण हम भी एक स्टोरी सुनाएंगे। बोले सुनाओ, क्या सुनाओगे? बोले एक समय दो पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, एक दिन पति को कोई विशेष काम के लिए बाहर जाना पड़ा। इतने में पति पत्नी से बोला मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। बोले बाहर जाओगे, मैं जो श्रृंगार करती हूँ किसके लिए, तुम्हारे लिए तो श्रृंगार करता हूँ ना, रसोई किसी के लिए बना तो, बोले तेरे लिए रसोई बनाता हूँ, बिस्तरा किसके लिए सजाता हूँ, तेरे लिए, ये घर साफ किसके लिए करता हूँ, बोले तेरे लिए, सब कुछ तेरे लिए तो करता हूँ, अगर तू चले जाओगे तो फिर मैं किसके लिए करूंगी, बोले जाना तो पड़ेगा। बोले देखो जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ ना, मेरे फट्टो को ले लो, ये फट्टो को तुम पूजा करके रहो। अभी पत्नी फट्टो को ही पूजा कर रही थी, इतने में कुछ दिन बाद में पति आ गए, दरवाजे खटखटाए। इतने में गोपियों ने बोले बताओ अभी क्या करनी चाहिए वो स्त्री को। बोले जब पति आ गया फिर फट्टो को क्यों पूजा करे। बोले कृष्ण गीता में तुमने ही बताया, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुस्त सखा तुमेव, तुमेव विद्याम द्रविणा तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तुमने तो बताया मैं ही पिता पत्र भाई बंधु तो मैं हूं ना, तुमने बंसरी बजा करके हमने स्वयं बुलाया यहाँ पर, और बुला करके चित्त चुरा करके बुलाया, फिर कहते घर में चले गया। उन्होंने ऐसे उन्होंने आंसर दिए गोपियों ने, बोले तुमने इतने सुंदर सुंदर कथा सुनाई, जो ज्ञान देता है वो गुरु है, कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाओ, बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताओ। इसलिए आप हमको उपदेश दिए, आप गुरु हो पहले तो गुरु की पूजा करनी चाहिए ना। गोपियों ने इतने सुंदर सुंदर कथा सुनाई, कृष्ण रीझ गए, फिर उन्होंने गोपियों को साथ में ठाकुर जी, फिर रास ठाकुर जी रास लीला की, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, जो एक हाथ में काजल पहनी थी ठाकुर दूसरे हाथ में पहना दिया, जो आधा कपड़ा पहन करके आए थे ठाकुर जी पूरे कपड़ा पहना दिए, जो गले की हार को कमर में करधनी करधनी को गले में ठाकुर ठीक श्रृंगार कर दिया। सिखा देते हैं अगर हमारी कोई सही श्रृंगार कर सकता है कौन, ठाकुर ही श्रृंगार कर सकते हैं। ठाकुर जी ब्रज गोपियों को साथ में नृत्य कर रहे थे, हर गोपियां देख रही थी कृष्ण मेरे साथ में, कृष्ण मेरे साथ में हैं, लेकिन केवल राधा रानी देख रही थी कृष्ण मेरे साथ में भी, और सब गोपियों को साथ में। इतने में राधा रानी की मान हो गया, गोपियों की सौभाग्य मद हो गया, गोपियों ने सोचा जगत में सबसे बड़े हम सबसे बड़े हैं, क्यों, कृष्ण केवल हमारे साथ में, अभी राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, राधा रानी के बगैर हम पूर्ण हैं। अभी कृष्ण सोचा बड़ी गड़बड़ी हो गई, क्यों, रास स्वर्ग श्री राधा रानी है,
अगर राधा रानी के बगैर सब बेकार, इतने में राधा रानी मान करके रास परित्याग कर दी, इतने में कृष्ण एक श्यामा सखी रूप धारण करते हुए उन्होंने राधा रानी को मनाने के लिए ले गए, बड़े सुंदर राधा रानी को श्रृंगार की, गोपियां श्याम सुंदर को ढूंढते ढूंढते जब आए, इतने में कृष्ण बोले देखो राधे चलो हम जल्दी चले जाते हैं, नहीं तो फिर मान करिए तो फिर महाराज नहीं होगी, सबके फिर मनाना हम प्रारंभ कर दूंगा, ये महाराज नहीं होगी। राधा रानी बोली मैं नहीं चल सकती हूँ, जैसे रासों से लाए थे हमें वैसे ही ले चलो। बोले क्या कंधे पर बैठोगे? बोले बैठा लो। बस वहीं पर कृष्ण वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं, वहीं पर राधा रानी बेहोश होकर गिर पड़ती, गोपियां आकर के राधा रानी को बेहोश होश दिलाती हैं, बोले चलो कृष्ण का जो प्यारा उनका भजन है, हम जमुना किनारे में बैठ करके ठाकुर जी की भजन करेंगे। ठाकुर स्वयं कहते हैं मेरे भक्त जहाँ भजन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। तो गोपियों ने जो गीत गाए ना उसका नाम कहते गोपी गीत, अद्भुत है। अगर ये गोपी गीत को कहीं भी आप लोग गाओ, अगर आप चाहते हो कन्हैया हमारी घर में आए ना, ये घर में गोपी गीत गाया करो, कन्हैया जरूर तुम्हारे घर में कन्हैया जरूर आएगा, इसमें इतने शक्ति है। इसी गोपी गीत को सुन करके भगवान ने ही प्रकट हुआ था। अब दो तीन श्लोक सुन लो, गोपी गीत में गोपियां क्या गीत गाती हैं। Oh,
भगवान की जब गोपियों ने गोप गीत गाए ठाकुर जी मनमत के मनमत रूप लेकर प्रकट हुए। गोपियों ने अपना चुंदरी को उतार करके ठाकुर को बैठाने दिए। ठाकुर को उन्होंने प्रश्न करते हैं फंसाने के लिए, बोले देखो ठाकुर जी जगत में तीन तरह के लोग हैं। एक तरह का व्यक्ति होते हैं जो भजन करने पर जो भजन करता है, दूसरे तरह का व्यक्ति होते हैं करे नहीं करे तभी करते हैं, तीसरे तरह का व्यक्ति होते हैं करो नहीं करो उसका किससे मतलब नहीं। बताओ तीनों में तुम कौन है? गोपियां कृष्ण को फंसाना चाह रही थी। कृष्ण तो बड़े खिलाड़ी है, बोले देखो गोपियां जो भजन करने पर भजन कर तो बढ़िया है, जैसे 100 रुपया लेकर के दुकान में जाओ 100 रुपया दे दिया, 100 रुपया का माल मिल गया ले आए, वहां पर कोई प्रीति थोड़ी थोड़ी है, पैसा दो पैसा फेंको और तमाशा देखो खत्म हो गया। बोले करो नहीं करो तभी करते हैं, बोले कौन? बोले पिता माता। देखो ध्यान से कृष्ण कहते करो नहीं करो पिता माता क्या करते हैं, देखना बच्चा जितने नालायक क्यों नहीं हो जाए। लेकिन पिता माता के अंदर भावना बेटा मेरा है, बेटा मेरा है, बच्चा जितने दुष्ट क्यों नहीं हो जाए, लेकिन पिता माता के हृदय जो बड़ा है जो सोच भी नहीं सकते कभी ये बच्चे को छोड़ ही नहीं सकते हैं। ऐसे कहते मैया को तो हम इतने ऋणी शास्त्र में बताया, आजीवन अगर मैया की कोई सेवा कर कभी ऋणी नहीं उठा सकते, क्योंकि 9 महीना तो गर्भ में धारण करी, प्रसव पीड़ा सहन करती है, मुंह की खाना निकल कर खिलाती है, हैं खिलाती है। आपको पता होगा कितने रात तो बच्चा पट्टी पेशाब करता है जो कि नींद नहीं आती है। इनके ऋणी कभी हम चुका सकते हैं? ध्यान देकर सुनो, देखो एक छोटी सी कथा सुनो, जितने बहू है अच्छे तरह से सुनो। देखो एक समय एक पत्नी ने पति से बोला, बोले देख मैं तुम्हारी पिता माता को साथ में रह नहीं सकती हूँ, मैं तो अपना पीहर जा रही हूँ, मैं रह नहीं सकता, इसलिए इतने में उसको पति आकर के माँ को बोले देख माँ मेरी पत्नी ऐसे बोलती है, इसलिए देख माँ तुमने बचपन से लेकर के अभी तक तुमने खिलाया पिलाया मेरे को बड़ा किया, अब हिसाब करके बता दो तुमने कितने पैसा लगाया, उससे ज्यादा पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं अपना पत्नी को लेकर के अलग रहता हूँ। मैया ने बोला देखो बेटा मैं तो लिखी पढ़ी इतने है नहीं, समय लगेगा इसको हिसाब करने के लिए, 1 महीना दे दो। बोले 2 महीना लेगा। एक दिन ठंडी का समय था, अभी जैसे ठंडी है, अभी सो रहा था बेटा, जब सो रहा था मैया ने क्या की एक लोटे में पानी लेकर के ना एक साइड में डाल दी, वो तो सो रहा था, इतने में बेटा ने करवट ले लिया, पता नहीं कहाँ से ठंडी आई, फिर दूसरे बार उन्होंने क्या दूसरे तरफ पानी एक लोटा लेकर डाल दी, फिर दूसरे बार करवट ले ली, फिर जब उन्होंने और एक लोटा जब सर तरफ में डाल दी ना इतने में नींद खुल गई। देखा मैया बोले क्या कर रहे हो हा? मेरे को सोने नहीं दे रहे हो, इतने गहरी नींद में सोरा मैं तुम नीति खराब कर दी। बोले बेटा तुमने बताया ना जन्म से लेकर अभी तक तुमने जो पैसा खर्चा की उसको हिसाब देने के लिए केवल एक रात का हिसाब में लगा रही, एक रात का हिसाब में लगा रही थी। आप लोगों ने बच्चे पालन किया है? कौन कौन बच्चे जन्म दिए हाथ का? कितने रात मैया सोई नहीं होगी। बेटा जब टाटी पेशाब करता है मैया क्या करती है स्वयं गिल्ली में सो करके है क्या करते बच्चे को सुखा में सुला देती है, दो बार अगर टाटी पेशाब कर दिया तो फिर क्या करती है फिर करवट। कितने रात आप सोई नहीं होगी, जो पिता माता उनको पता होगा कितने कष्ट से बच्चों को पालन करती हो। इतने में जब ये बात बताया ना एक रात का हिसाब में ले रही हूँ, उसको सारी बुद्धि सही हो गई, मैया के चरण में उसने गिर पड़ा, बोले मैया मैं कभी तुम्हारी ऋणी को कभी ऋणी नहीं हो सकता हूँ। देखिए यहाँ ठाकुर जी कहते हैं हम भी कभी भी पिता माता के ऋणी से कभी मुक्त हो नहीं सकते, इसलिए क्या करनी चाहिए हमें सभी अपना पिता माता की सास ससुर की आदर करनी चाहिए। क्यों? हम जैसे अपना सास ससुर की सेवा करेंगे बच्चे भी वो चीज को देख रहे हैं, तभी तो हमारी वो सेवा करेंगे ना, हम सेवा करेंगे तभी तो वो देख रहे हैं ना हमारी कैसे माताजी सास ससुर की सेवा करती, जब बड़े हो जाए वो भी तो हमारी ऐसे सेवा करेगी, अगर खुद नहीं करेगा तो बच्चा कहाँ से करेगा, वो कर ही नहीं सकता कभी है। इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं ये पिता माता है जिनका ऋणी कभी हम चुका नहीं सकते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। बोले जो तीसरे तरह के होते हैं ये आत्मा राम आप्तकाम गुरुद्रोही और अकृतज्ञ,
बोले ठाकुर जी लगता है तू तो गुरुद्वारे आकर तज्ञ है, क्योंकि तुमने बंसुरी बजा करके बुलाया, अधर रात्रि में रास रचाया, कितने तुमने हमें प्रेम दिया, और बीच रात में तुम कहाँ छोड़ करके चले गए, कहाँ तुमने छोड़ करके हम बिलबिला करके चले गए। इतने में कृष्णा कहते देखो प्रेम की दो पहलू है, एक मिलन एक विरह। कहते मिलन में क्या होता है, केवल सामने मिलते हैं, लेकिन जो विरह में है ना, सर्वत्र जहाँ देखो वहीं पर भगवत, वहीं पर ही भगवत दर्शन होता है, हैं वहीं पर। इसलिए मैं तुम लोगों को कभी छोड़ा नहीं, तुम्हारी पास में मैं था, कहीं मैं नहीं गया था, केवल तुम्हारी प्रेम को जगत में दिखाना चाह रहा था। अगर मैं नहीं छोड़ता तो तुमको, तुम लोग मेरे प्रेम में जो इतने दीवानी बनी, इतने भाव दिव्य भाव प्रकट हुआ, ये कभी हो सकता था, हो नहीं सकता था। दुनिया में तुम्हारी प्रेम को दुनिया को दिखाता देखना चाहता था, मेरी गोपियों की प्रेम मेरे प्रति कितने महान है। उद्धव जैसे व्यक्ति जिनकी चरण किए तो धूल को वंदना करते हैं, गोपियां खुश हो गए। फिर ठाकुर जी महाराज की एक गोपी एक कृष्णा, सारे देवता लोग आकाश मंडल में आकर के वाद्य बजा रहे थे, ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे। इतने में श्री भोले बाबा भी गोपीश्वर महादेव रूप में गोपी बन करके शंकर भी आए ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए। बोले श्री गोपीश्वर महादेव की। इतने में कृष्णा बोले आज कहीं आनंद नहीं आ रहा है, लगता है कोई है कोई विजातीय व्यक्ति आ गया। इतने में गोपियों ने देखा है कि कुंजे में कोई एक नई गोपी बैठी हुई, फिर वहां से निकाले। इतने में कृष्ण को पुकार, बोले शंकर जी तुम कैसे आ गए हो। बोले तुम्हारी बंसी ध्वनि सुन करके मेरे मन में भी इच्छा हुई तुम्हारी रास दर्शन के लिए। बोले शंकर जी ऊपर में तो गोपी रूप लिए, हृदय में वो भाव नहीं। देखो जो गोपियों के जो भाव कितने महान है, शंकर जैसे व्यक्ति भी जो रास को दर्शन नहीं कर पाए। बोले यहाँ पर आप गोपीश्वर शिव रूप में आप यहीं पर पूजा मिलेगा, जो वृंदावन में आएंगे तेरे को दर्शन किए बगैर मेरा वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? शंकर जी वहां चौकीदार की काम कर रहे हैं। जैसे कहीं जाओगे ना चौकीदार के तो आदेश लेना ही पड़ेगा ना। वृंदावन जाओगे दिन में शिवलिंग के दर्शन है, और रात की देखोगे शंकर जी अभी भी शंकर जी को गोपी मूर्ति में सजाई जाती है। बोले श्री गोपेश्वर महादेव की जय। ठाकुर जी सुंदर भजन गाएंगे। अल्लाह सुंदर एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए रास में आ गए। Oh, 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 oh
कल सुना रहे थे ना एकादशी की बड़ा महत्व है और कथा को अंदर में एकादशी चार चांद लग गई, कथा में चार चांद लग जाती है क्योंकि भागवत में केवल एकादशी की कथा की, इसलिए एकादशी कथा हम अच्छी अच्छी आपको कथा सुनाए थे कैसे रुक्मा गद महाराज एकादशी रखते थे, अम्बरीश महाराज रखते थे, श्री श्री मैया जशोदा नंद बाबा भी एकादशी रखते थे। कल मैंने सुनाया था ना एकादशी को कल्पतरु व्रत बताया, मतलब जो एकादशी व्रत करके जो मांगोगे आपको वही मिलेगा जो मांगोगे एकादशी से, इसलिए एकादशी की बड़ी महत्व। बोले ये एकादशी कैसे प्रकट हुई थोड़ी सी कथा सुन लो। बोले एक समय कृष्ण नारद जी को साथ में जा रहे थे, हठात रोने की आवाज आए, छोड़ दो और नहीं करेंगे मर रहा हूं। कृष्ण सब जानते हैं, बोले नारद जी हम कहाँ गए? बोले प्रभु आप तो मालिक दुनिया की, अभी हम जमपुरी में आ गए, ये जम महाराज का दक्षिणा दरवाजा में जहां पर जम महाराज पापी को दंड देते हैं। बोले चलो जहां करके देखते हैं, वहां पर तो ऐसे ऐसे दंड दे रहे थे, जब शराब पीते थे लोहे गला करके मुंह में डाल रहे थे, जो मांस मछली खाते थे उनको तो सीधा सीधा करहत में काट रहे थे, इन्हीं आंखों में जो गंदी गंदी मूवी देखते थे आंख निकाल रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे छोड़ दो और ये काम नहीं करेंगी। इतने में श्री नारद जब भगवान कृष्ण वहां पर गए, अब वो कुंडे में जब झांके, जब उन्होंने भगवान को दर्शन किया सब कैसे उद्धार होकर वैकुंठ चले गए। इतने में कृष्ण ने कहा नारद जी आज कौन सा तिथि है? बोले ठाकुर जी आप एकादशी है। बोले जाओ वीणा बजाते हुए सर्वत्र प्रचार करो, जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखेगा वो कभी नरक नहीं आएगा। तो नारद जी वीणा बजाते हुए बोले ठाकुर का निर्देश है, ये एकादशी व्रत ये ठाकुर जी का व्रत है, इसको जो रखेगा कभी वो नरक नहीं जाएगा, वो भगवत धाम जाएगा। अभी सब व्यक्ति एकादशी व्रत रखना शुरू कर दिए। अभी जो एकादशी मतलब 11 से हमारी 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया और इसका जो मालिक ये मन है। 11 से मतलब होता है जैसे आप लोग आज एकादशी व्रत रखे हो, कौन कौन रखे हो हाथ उठा होता, सब हाथ नहीं उठा रहे हो, क्या चक्कर है? हाँ अच्छी, आप लोगों के लिए ताली बजाओ जो एकादशी व्रत रखे।
देखो भागवत में एकादशी व्रत रखने का बड़े पुण्य है। कल हम सुन रहे थे ना जो रुक्मांगद महाराज और उनका जो रानी राजा रानी क्यों बने, उन्होंने अनजान में एक एकादशी रख लिया था, उनको पता नहीं था आज एकादशी व्रत है, हैं? वो बेस्या सुद्रानी को बुखार आया तो वो शूद्र प्रेम करता था, उसने भोजन नहीं किया तो इसने भोजन नहीं किया, अनजान में भोजन कर भोजन नहीं किया तो निर्जला व्रत हुआ और उसी का फल क्या हुआ, राजा रानी बन करके आए हैं। इसलिए एकादशी व्रत किया सबके सब मुक्ति, इतने में पापी तो दुखी हो गया, प्रभु मेरे को कहीं स्थान दो, मेरे को कहीं स्थान दो। ठाकुर बोले एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करेगा उसी में ही ये सारे पाप रहेगा, गौ हत्या, नर हत्या, भ्रूण हत्या, पिता माता हत्या, सब पाप एकादशी का दिन अन्न में आश्रय करता है। इसलिए आप लोग जरूर ये एकादशी व्रत रखना। देखो और एक छोटी सी कथा सुनो, एक दिन ठाकुर जी स्वयं भगवान की एक भक्त था जिनका नाम था एक नाथ, ये बड़े भगवान विष्णु का भक्त, भगवान विष्णु स्वयं विठल नाथ, ये दक्षिण देश में विठल नाथ जी स्वयं परीक्षा करने के लिए आ गए। पहले जो व्रत रखते थे जैसे आप लोग थोड़ा फलाहार किए होंगे, अभी तो हमारे प्रभु लोग बड़े सुंदर पकौड़ा भी बनाए हैं आपके लिए, बड़े सुंदर फल की व्यवस्था किए है सभी एकादशी व्रत के लिए, कि किस किस को ले आओ, हाँ जब कृष्ण रुक्मिणी बनाए कि नहीं, कृष्ण रुक्मिणी बनाए हैं, ठीक है मैं बुलाऊंगा ले आना, ठीक है हरे कृष्णा। इसलिए उन्होंने ठाकुर जी स्वयं पहले निर्जला व्रत रखते थे, कोई एकादशी का दिन भोजन नहीं करते थे, और नियम है एकादशी का दिन अन्न खाना जितना पाप, अन्न देना भी उतना पाप है, इसलिए उसी दिन अन्न किसको नहीं देनी चाहिए और खानी भी नहीं चाहिए, नियम है घर में अन्न नहीं बननी चाहिए। और अभी तो जैसे हम लोग फलाहार करते हैं, कुट्टू आटा की पकौड़ा भी बनाए आप लोगों के लिए, कोई चिंता बात नहीं, बढ़िया प्रसाद मिलेगा। इसलिए पहले पूरा पूरा निर्जला रखते थे व्रत, अभी वो एकनाथ पूरा निर्जला व्रत रखे थे। ठाकुर जी स्वयं परीक्षा करने के लिए घर में आए एक भिखारी बन करके, और दरवाजा को सामने आकर के बोले मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मेरे को भोजन दो नहीं तो तुम्हारी घर के सामने प्राण त्याग कर दूंगा। बोले हमने आज निर्जला एकादशी व्रत रखे हैं, आज हम किसको भोजन नहीं दे सकते, अन्न भोजन नहीं कर सकते। उन्होंने बोले फलाहार नहीं, मेरे को चावल देना पड़ेगा, रोटी देना पड़ेगी, दाल देना पड़ेगी, मेरे को ये फल से काम नहीं चलेगा। बोले आज हम कभी देते नहीं और हम खाते भी नहीं। बोले नहीं तो तुम्हारे दरवाजा के सामने हम प्राण त्याग कर दूंगा। जब उन्होंने नहीं दिए ना, ठाकुर जी ने स्वयं उनको सामने प्राण त्यागी, मरे नहीं, ठाकुर जी नाटकी है, ठाकुर जी नाटकी है, जब शरीर छोड़ दिए। अभी जो अड़ोसी पड़ोसी लोग थे ना, सब एक नाथ का विरोध बन गई, बोले तुम्हारी वजह से एक दुखी भिखारी को प्राण त्याग करना पड़ा, तुमने इसको मृत्यु दंड दिया है। इतने में वो दुखी हो गया, बोले ठीक है मैं, मेरे लिए इसने प्राण त्याग की, आज मैं स्वयं इसको साथ में प्राण त्याग करूंगा। बोले चिता लकड़ी का चिता सजाओ, तब उन्होंने लकड़ी की उन्होंने चिता सजाए, लकड़ी की चिता को सजा करके उन्होंने क्या की, स्वयं उन्होंने जो ठाकुर जी जो भिखारी रूप में आए थे उन्होंने गोद में उनको लिए, और गोद में लेकर के लड़की माता जी इधर देखो, बीच में खड़े मत आओ, पीछे जाओ या मत आओ बारम्बार। इसलिए जब उसमें उन्होंने जो भिखारी रूप धारण किया था, चिता सजाया गया, चिता सजा करके उन्होंने वो जो भिखारी था ना उनको गोद में स्वयं एक नाथ ने लेकर के, जब उसमें आग लगाने के लिए गए ना, किसमें, लकड़ी में आग लगाने के लिए गए, तो वो स्वयं भिखारी रूप में ठाकुर जी थे, झट ठाकुर जी जो विठल नाथ दक्षिण देश में, स्वयं ठाकुर जी बीच में प्रकट हो गए, भगवान स्वयं प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले एक नाथ मैं तुमको परीक्षा कर रहा था, ये एकादशी व्रत में तुम्हारी कितने निष्ठा है, आज मैं परीक्षा करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु आया था, आपने पास हो गई है, तेरे लिए मेरी धाम तुमको प्राप्ति होगा। देखो ठाकुर जी स्वयं परीक्षा करने के लिए आए थे। इसलिए नियम है एकादशी का दिन अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए और अन्न किसको नहीं देनी चाहिए, नियम है। मतलब एक समय में कुछ गांव के लोग बैठे हुए थे, जैसे आप लोग बैठे हो, कुछ दिन पहले ये कल्याण जो पत्रिका में निकला था ये कथा, एक दिन हठात देखा उसी गांव में जो व्यक्ति मरा हुआ था ना, देखा वो व्यक्ति हठात वहां पर प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गया लोगों ने बोले भैया तू तो मर गया था, दोबारा कैसे आ गए हो? बोले मैं जमदूत बन गया हूँ।
बोले भैया जमदूत कौन बनते हैं? बोले भगवान जिसको मानव शरीर तो मेरे को दिया, लेकिन ये मानव शरीर पा करके मैंने भगवान की भजन नहीं किया, भजन नहीं किया तो नरक गया। ऐसे ही मैंने 100 बार नरक गया। कितना बार नरक गया? जोर से बोलो, 100 बार नरक गया। नरक गया तो जब कोई व्यक्ति 100 बार एक जगह पर जाए फिर क्या होता है, वहां की जानकारी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, हैं? अच्छी तरह से हो जाती है। इसलिए जमदूत ने देखा भैया ये नरक का बड़ा भगत है, इसको जमदूत बना दो। इसलिए मैं जमदूत बन गया। बोले एक बात बता सकते हो? बोले बताओ। बोले क्या काम करने पर जीव नरक नहीं जाएगा? तुम तो नरक में रहते हो, बता सकते हो? देखो ये खुद कहता है, ये कल्याण में कथा आई थी, ये सही घटना। कहते जो एकादशी व्रत रखता है, क्योंकि जो एकादशी व्रत भगवान विष्णु कृष्ण राम का व्रत है, कहते जो एकादशी व्रत रखेगा वो कभी नरक नहीं जाएगा। और जिसकी गले में तुलसी की कंठी है, मैंने कल बताया था ना, जब महाराज स्वयं कहते हैं जो गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, समझना ये फालतू कुत्ते नहीं, ये कौन सा कुत्ते है, कुत्ता है ये, पालतू कुत्ता ठाकुर जी की, पालतू कुत्ते ही ये, मतलब ठाकुर जी को उन्होंने आश्रय ग्रहण किया है। इसलिए जिसकी गले में तुलसी कंठी, कहते वो कभी नरक नहीं जाएगा। देखो आप एक सही घटना सुनाता हूँ, ये सही घटना है। एक समय एक व्यक्ति, एक मुसलमान जा रहा था। मुसलमान जाते समय हठात उन्होंने 3 भयंकर रूप व्यक्ति को देखा, वो जमदूत थे। उनको देख करके उसने भागने लग गया, ये कहां से आ गए जमदूत, कहां से? इतने में जमदूत बोले भागने क्या जरूरत नहीं, तुम लोग खड़े रहो। बोले क्यों? बोले तुम कौन हो? बोले जमदूत है। बोले यहां पर क्यों आए हो? बोले कोई मरने से पहले हमें पता चल जाती है, ये व्यक्ति मरने वाला। बोले यहाँ क्या कोई मरने वाला? बोले हाँ, थोड़ी देरी बाद में एक किसान आएगा बैलगाड़ी में बैठ करके, और यहीं पर आते ही वो जो गैया है, जो बैल गले से रस्सी को तोड़ करके भागेगा, जब वो किसान पकड़ने जाएगा, वो बैल बड़ा क्रोधित अवस्था में रहेगा, इतने में उसने उसको पेट में सींग से उसको खत्म कर देगा, फिर वो नरक जाएगा, इसलिए हम लेने के लिए आए। वो मुसलमान खड़े हो गया। जब मुसलमान खड़ा हुआ, सचमुच से देखा थोड़ी देरी बाद में एक किसान बैलगाड़ी पर बैठ कर गा रहे, और वहीं पर आकर के बैल इतने उचट गया, रस्सी तोड़ करके भागा। जब भागा वो किसान, जब पकड़ने के लिए गया, सचमुच से वो बैल उसको पेट में मारे, सींग से मारे तो पेट को फाड़ दिया और वहीं पर गिरा दिया। जब गिरा दिया, बाई चांस वहां पर एक तुलसी की वृक्ष था, और जब मृत्यु हुई उसका शरीर तुलसी का वृक्षों पर गिरा हुआ था। तुलसी कौन है? लक्ष्मी है, क्योंकि सालग्राम के साथ में शादी होते ना, तुलसी लक्ष्मी। और तुलसी कौन है? ठाकुर जब ये जगत छोड़कर गए, बांके बिहारी अपनी आप को ये तुलसी वृक्ष में रख कर गए, ये ठाकुर का निवास है तुलसी वृक्ष में। इसलिए जब उसको शरीर तुलसी वृक्ष में गिरा, हठात 4 विष्णु दूत वहां पर आ गए, और जो जमदूत वहां खड़े थे ना, वहां से भागे, वहां से प्राण को लेकर के, और वो रथ आया बैठ करके सीधा वैकुंठ चला गया। इतने में वो जो मुसलमान था, फिर जमदूत आए, बोले ये सब क्या हुआ? आप तो जो कुछ बोले थे सही घटना हुई, लेकिन लास्ट जो सीन था बड़ा आश्चर्य का सीन था। तब जमदूत ने बोले एक अच्छी घटना हो गई, जब उसको मार करके फेंका था, वो तुलसी पेड़ को कर फेंका था। तुलसी में लक्ष्मी नारायण भगवान का निवास है, इसलिए उसको मुक्ति मिल गई, वो नरक नहीं गया, वो नरक नहीं गया। हमारे देश में, मैं तो गांव का हूँ, हमारे देश में जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता, अंतिम समय आता है ना, बिना मुंह में तुलसी बताओ गंगा पानी देते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या करते होंगे पता होगा, तुलसी दल गंगा पानी देते हैं, और सर को पास में ये तुलसी वृक्ष रखते हैं। बोले क्यों? बोले जहाँ तुलसी वृक्ष, जमदूत कभी वहां नहीं आता। इसलिए अगर गले में तुम्हारी तुलसी कंठी है ना, कभी तुमको जमदूत कभी नहीं ले जाएंगे, सीधा ठाकुर के पास में जाओगे। क्यों? जब स्वयं कहते जमदूतों को, ये श्लोक है, ललाटे तिलकम नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंठी का श्लोक है। बोले जिनकी गले में तुलसी कंठी देखना, समझ जाना ये ठाकुर का आश्रय किए हुए है, बांके बिहारी का आश्रय लिया हुआ है, मेरे पास में उसको लाना नहीं, जम का आदेश है। इसलिए तुलसी कंठी धारण करने का बड़ी महत्व है, तुलसी कंठी धारण करने का। इसलिए मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन समझा तो समझ हार गया, लेकिन कुछ लोग तो आए तुलसी में गले में कंठी लिए है। लेकिन अगर ये लास्ट का दिन है, अगर किसी की इच्छा होगी हम तुलसी कंठी पहनना चाहते हैं, लेकिन तभी देते हैं जब आप प्याज लहसुन को छोड़ोगे, मांस मछली छोड़ोगे, शराब छोड़ोगे,
फिर तो मैं तुलसी घंटी तभी देता हूँ। आज जिसकी इच्छा हो गया लास्ट में यहाँ आकर के तुलसी घंटी ले लेना। माला तो बहुत भक्त लोगों ने लिए हो हैं, जिसकी इच्छा होगी तुलसी घंटी अब आकर के ले सकते हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो अभी कथा हमारी विश्राम की ओर जा रही है, लेकिन ये कथा में कुछ लोगों ने कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से उसमें मदद किए हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित ये भागवत कथा की इतने महत्व है, बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत वा अनुमोदित। मतलब अगर कोई कथा सुने कल्याण तो है ही है, अगर कोई ग्रंथ को पढ़े उसका भी कल्याण है, लेकिन अगर कई कथा हो रही है इतनी सी अगर कोई बोल दे भागवत कथा बहुत अच्छी बात है। कहते अगर इतनी सी बात कोई बोल दिया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सद्य पुनाति सद्धर्मम, वो व्यक्ति जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, देवद्रोह विश्वद्रोह क्यों नहीं हुआ हो। अगर कहीं कथा हो इतनी सी बात बोल दिया ना क्या होगा, सारे पाप से मुक्त होकर के भगवत धाम में चले जाएंगे, इतने महिमा हैं। इसलिए आप लोगों ने पहले सुने जब गोकर्ण धुंधुकारी के नाम पर गया करके आए, तभी देखा प्रेत बनकर बैठा हुआ, बोले मेरे नाम पर 100 बार पिंड दोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन मुक्ति कैसे मिली, भागवत कथा से। इसलिए ब्रह्मा जी एक तराजू लेकर के सारी जगत का पुण्य को एक तरफ में रखा, लेकिन भागवत कथा की महिमा जब रखा वो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा और सारे पुण्य ऊपर उठ गया। मतलब भागवत कथा को साथ में आप किसी कथा को आप बराबर नहीं कर सकते। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लभ्यम। ये भागवत कथा सुनने का कब सौभाग्य मिलेगा, जब करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य होते होगा। इसलिए आप जो गांववासी है, आप लोगों ने जो यहाँ पर कथा सुने हो, घर का सारे काम काज को छोड़ करके ठंडी के समय में यहाँ बैठ करके घर में रहते तो बढ़िया बैठते, यहाँ तीन तीन चार चार घंटा आप लोग बैठे हो, आप लोग कौन हो, आप सब परीक्षित हो, आप लोग कौन हो। अगर सुखदेव गोस्वामी आ जाते, अगर परीक्षित नहीं होता कथा होता नहीं होता। इसलिए जो कथा सुनने के लिए आए हो तुम लोग सब परीक्षित हो, इसलिए आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ, जोर से जितने जोर से बजा सकते हो। पता नहीं क्या बात नहीं है। हरे कृष्णा। और देखो इन कथा इस कथा में है कुछ कुछ भक्त लोगों ने कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से है, आप लोगों ने हर तरह से मदद किया है। मैं इनकी नाम लेने के लिए कोशिश करता हूँ, आप लोग इनके लिए जोरदार ताली बजाना, ठीक है। बोले श्री अशोक त्यागी, इन्होंने कैसे हम लोग को, मेरे पास में कौन कौन आए थे कथा के लिए, आप आए थे और आप भी, ये दोनों भैया हमारे पास में खड़े हो जाओ। जो बड़ों तो में हम थे दोनों भैया आकर के, बोले हम चाहते हैं भागवत कथा हो। आप भैया अशोक, श्री अशोक भैया और श्री नवीन त्यागी प्रभु जी, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इन लोगों ने हर तरह से इस कथा में और इन लोगों ने मदद किया। ठाकुर जी इनको खूब शांति सुख दे, खूब बड़ों तो हो हैं, खूब फले फूले, क्योंकि इतने लोग जो लाभवान हुए हैं, कितने लोग आप लोगों ने माला ली भजन के लिए लिए हो, जो पुण्य मिलेगा ना, ये सब पुण्य किसको मिलेगा, जो ये कथा में मदद कर रहे हैं उनको ये सारे पुण्य मिलेगी। और कुछ कुछ भाई लोगों ने इस कथा में मदद किया, श्री राकेश प्रधान जी है, कौन है राकेश प्रधान जी, यहाँ हो तो खड़े हो जाए, राकेश प्रधान कौन है। हाँ ये भैया के घर में हम रुके हैं, भैया हम लोगों को बड़े प्रेम दिया, अपना घर में, अपना घर जिसमें वो सोते थे अपना घर को छोड़ करके हमको उसी रूम में उन्होंने सोने के लिए दिया। लगता है भैया को कष्ट हुआ होगा, इसलिए आप इनके लिए भी ताली हो जाओ ठाकुर जी। कहते श्री अनुज प्रधान जी है, अनुज यहाँ पर जी कहाँ है, अनुज जी अगर हो तो खड़े हो जाओ। और श्री कहते श्री गौरव प्रभु जी, कौन है गौरव त्यागी, गौरव त्यागी कौन है, है हाँ ठीक है। कहते श्री विकास जी, हाँ विकास जी कौन है, और मास्टर श्री राजकुमार कौन यहाँ पर है, मास्टर राजकुमार जी हाँ। इन लोगों ने हर तरह से, इन लोगों ने प्रसाद दिया है, सब मदद किया है।
और श्री अनिल प्रधान जी, कौन है अनिल प्रभु, अगर हो तो सब खड़े हो जाओ जिनका नाम लेता हूँ, आप निकले ताली बजाओ सबके सब, और हरपाल प्रधान जी, यहाँ है रहा हरपाल प्रभु जी, इनके परिवार में कोई होंगे, कहते श्री जगदीश त्यागी है, जगदीश त्यागी कोई यहाँ पर होगे, ताली बजाते रहना इनके नाम पर, और श्री कहते श्री मुनेश जी है, मुनेश जी यहाँ पर, कहते श्री मनोज गर्ग है, मनोज गर्ग जी यहाँ पर, कहते श्री बालेंद्र त्यागी, बोले श्री बीरेश जी, अगर अगर हो यहाँ पर आप लोग खड़े हो सकते हो, कहते श्री बबीता जी, बबीता जी है यहाँ पर, कौन है श्री बबीता जी, हाँ, कहते श्री राधे श्याम त्यागी जी, पप्पू प्रधान जी यहाँ पर है सबके सब कोई, हाँ ये है प्रभु जी, ठीक है ठीक, ठाकुर ये सबको भक्ति दे, और हमारे श्री जो कथा हुई ना, ये कथा में जो मूल, जिसने इसका जो मूल उद्योग जो इनको उत्साह देकर की है, हमारे श्री नुपुर दास जी, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए, इसने ही जा करके सबको प्रेरणा दे करके भागवत कथा, भागवत कथा कराओ, हाँ ये हमारे गुरु जी की हमारे शिष्या है, इसलिए, और इनका जो माता जी है श्री, श्री माता जी इनकी मात है, माता जी इनकी, हाँ ये माता जी, इन लोगों ने हर तरह से मदद किया है, हाँ कहते ये, और इसमें कुछ बच्चे लोग हैं जो बड़े मदद किया, प्रसाद वितरण किया, कुछ बच्चे लोग, बच्चे लोग में जैसे श्री अनुभव, श्री अनुभव जी कहाँ हैं, वो पीछे खड़े जी, ये भैया तो दिन रात ही हमारे साथ में रहे, बड़े उत्साह पूर्वक हर तरह से सवेरे आकर के गर्म पानी देना, सब चीज़ को देखना, दिन रात हमारे साथ में दिन रात, और उन्होंने नौकरी छोड़ करके, और उनको आना चाहिए था कहाँ पर, दीपावली में छुट्टी नहीं लिया, बोले नहीं भागवत कथा सुनने जाएंगे वो, और उनको पत्नी यहाँ पर बैठी हुई है, इसलिए वह नहीं, हम समय को भागवत कथा सुनने जाएंगे, इसलिए कहते श्री हेमंत जी, हेमंत जी कौन है, प्रसाद में है, कहते श्री शुभम जी है यहाँ पर, ये शुभम जी, ये भैया भी दिन रात हमारे साथ में रहे, हर तरह से सेवा किया है, और श्री उज्जवल जी, उज्जवल कहाँ है, और निशु भैया कौन है, निशु जी, और श्री गोलू भैया, और श्री बासु है यहाँ पर सबके संग, हाँ इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, इन लोगों ने हर तरह से सेवा की, ठाकुर इनको भक्ति, ठाकुर जी इनको भक्ति और इनको शक्ति प्रदान, और मनोज त्यागी जी है यहाँ पर, मनोज भैया कहाँ है, मनोज त्यागी जी, और श्री दिनेश त्यागी जी, और हमारे धर्म धर्म धर्मदत्त त्यागी जी, और राजीव त्यागी है तो खड़े हो जाओ, शुभम त्यागी, रमेश त्यागी, महिपाल हैं, महिपाल स्वामी, और विपिन अग्रवाल कहाँ है, ये लोग ठाकुर जी सबको भक्ति शक्ति, और इनको ठाकुर जी खूब इनको प्रेम दे, सब फलते फलते रहे, और एक क्या ना बोल दो मेरे को, बोल दे कौन है, और मनोज त्यागी बोल दिया, हाँ दिनेश त्यागी बोल दिया, हाँ बोल दिया रमेश त्यागी, ठीक है, और देखो ये कथा में, कहते ये कथा में हमारे श्री हैं, कहते श्री हैं, हमारे जो कलाकार प्रभु जिन्होंने जिनकी अंगुल पर सबको नचाया है, ये ब्रजवासी, ब्रज में रहने वाले, ये वृंदावन वासी है, आपको कितने सुंदर भजन सुना करके कितने आनंद दिया, और हमारे श्री श्रीदाम भैया कृष्ण के सखा हैं जो ढोली की अंगुल के ऊपर आपको नचाया उन्होंने, और हमारे से श्रीकांत प्रभु जी इन्होंने आपको बड़े सुंदर सुंदर पेड़ के ऊपर बड़े आनंद दिया, और हमारे श्री गौर सुंदर प्रभु जी बड़े सुंदर सुंदर आप कथा सुनाए, और एक मनोज हमारी कहाँ गया, मनोज जी सेवा में लग गए, इसलिए इन लोगों ने, और हमारे माइक वाले भैया क्या नाम है तुम्हारे, संदीप भैया, इनके लिए भी ताली बजाओ, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से जैसे उनको बोले उन्होंने वैसे ही सेवा की, अच्छे माइक प्रभु जी ने लगाए, और कहते से हमारे जो टेंट वाले भैया है यहाँ पर, इन्होंने भी बड़े सुंदर टेंट लगाए हैं, कहते श्री, और हमारे यहाँ पर जितने घर घर में हैं, घर घर में हम लोगों को यहाँ के भक्त लोगों ने बुला बुला कर प्रोग्राम किया, जिन लोगों ने घर घर में हम लोग लेकर गए, ठाकुर भी सबको भक्ति और ठाकुर जी शक्ति, उनको भी आशीर्वाद है जितने घर घर में हम लोग को बुलाया है, हैं, और हम जिनके घर में रहे, घर का मालिक कौन प्रभु जी, घर जिनके घर में हम रहे वो कौन है यहाँ पर है, जो जिनके घर में हम लोग, मैं तो रह रहा हूँ, और हमारे भक्त लोग जिनके घर में रहे, वो आपका घर है, हाँ ठीक है, अब सबके लिए एक बार लास्ट में जोरदार ताली बजा दो, और सब लोग तो ताली बजा, मैं भी तो कुछ दिया,
मेरे से जितना हो पड़ा मैंने गुरुजी से जो कुछ सुना था आपको भी कोशिश किया उसको सुनाने के लिए। अगर इसमें कुछ अच्छी चीज है ना, ये गुरुजी का ही कृपा है, इसलिए आप लोग भी मेरे को आशीर्वाद देना। क्या दोगे? हाथ उठा करके आशीर्वाद दो सबके सब। जैसे आप लोगों को मैं सेवा कर पाऊँ, आप लोगों की मैं कथा सुना पाऊँ, और साधु संतों की अनुगत्य में गुरु जी की कृपा से जैसे मैं भगवान के भजन कर पाऊँ, मेरे को आप लोग यही आशीर्वाद है। ठीक है, जैसे आप लोगों को सेवा कर पाऊँ। क्या कुछ बोले? क्या ने मेरे बोल दिया? अब जरूरत है, मैंने बोला ना, मेरे लिए बैठ जा वहाँ पर बैठी। हरे कृष्ण, नहीं तो जरूरत नहीं बैठी, मैं तो बोल दिया, मेरे लिए आशीर्वाद दे दिया। क्या देंगे? हाँ देखो, हम लोगों ने आज कथा, ये विश्राम होगी कथा को, लेकिन नियम है, इधर सुना, नियम है कथा से कुछ लो और कथा में कुछ दो। बोले भैया ले किया और दे किया? बोले जितने गंदी चीज को दे जाओ। बोले ले करके किया जाओ? बोले भगवान की भक्ति और भगवान का प्रेम को यहाँ से लेकर के जाओ। ठीक है ना? बोले बोले चार चीज गंदी चीज है, ये चीज को त्याग दे देना। जहां पर श्री परीक्षित, जहां पर कली को स्थान दिया, पहला नंबर जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला चरण सत्य है, जुआ खेलने से सारे सत्य नष्ट हो जाती है। दूसरी चीज है किसी तरह का नशीली वस्तु मत लिया करो, पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, गुटखा, शराब, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। ये गांव में मैं एक अच्छी चीज देखा है, यहाँ पर किसी को गुटखा खाते हुए कहीं हमने नहीं देखा है, लेकिन प्राय अभी हम जहाँ पर कहीं गए थे वो यद्यपि ब्राह्मण समाज था, लेकिन प्राय करके लोग सब गुटखा खाते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं देखा कोई गुटखा खाते हुए। अब ताली बजाओ ये गांव लोग के, ये गुटखा कम से कम नहीं खाते हैं, इसलिए ये चीज से सब यहाँ के लोग दूर है, बहुत अच्छी चीज है। और मुझे लगता है इसी गांव में शायद शराब पीने वाले इतना है नहीं, मुझे लगता है ना, इसलिए इनके लिए भी ताली बजाओ जो शराब नहीं पीते। पहले मैंने बताया था जो शराब पीने वाले व्यक्ति है, तीन लाभ, क्या लाभ है? तीन लाभ। पहला लाभ, बूढ़ा नहीं होगा। बोले तो बूढ़ा कब होगा? जिंदा रहे तो हम तो बूढ़ा होगा, वो पी पा करके आधा उम्र में खत्म हो जाती है। दूसरा लाभ, घर में चोरी नहीं होगी। चोरी कब होगा? कुछ हो तो चोरी होगी, पी पा कर तो सब खत्म कर देता है पैसा को। इसलिए ये गांव में अच्छे हैं, आप लोग बच्चों को भी ये सब चीज से दूर रखना, बच्चे जैसी ये गंदी चीज आदत नहीं डाले। ठीक है ना? और एक चीज है, तो लोग चाय पीते हो ना, कोशिश करना हर्बल टी, गोकुल टी और ये प्रज्ञा जो जड़ी बूटी को पीने के लिए, ये जो चाय है ना, आप देखना रामदेव बाबा जो स्पष्ट मना करते हैं, बोले इसमें निकोटीन और इसमें कफीन डाला हुआ होता है, इसको पीने से गैस्ट्रिक होता है, ये अच्छी चीज नहीं है। ये अंग्रेजियों ने हमें गुलाम बनाने के लिए पहले बिना पैसा का चाय पता हमें बेचा, अब पी पी कर जब आदत बन गया उनका बिजनेस हमने बना दिया है, बिजनेस बना दिया। एक कप चाप देखो 10 रुपया है, पहले तो इन लोगों ने पैसा दे दे करके पिलाया, पैसा दे दे करके, लेकिन जब नशा चढ़ गई ना, फिर उल्टा हमसे पैसा लेना शुरू कर दिया है, उल्टा पैसा लेना शुरू कर दिया। कोशिश करना जड़ी बूटी लो जो हेल्थ के लिए अच्छा। ठीक है, और जो तीसरी चीज है, मांस मछली नहीं खानी चाहिए, ये गाँव में कोई नहीं खाते हैं सब चीज को, अंडा भी घर में नहीं घुसाओ और प्याज भी नहीं खाना, यहीं पर जाकर सब बंध जाते हैं, सोचने पर लग जाते हैं। लेकिन पहले मैंने सुना यह प्याज गैया मांस से सृष्टि हुई, भगवान जब सुदर्शन चक्र से राक्षस को वध किया, जहां पर मांस गिरा वहीं पर भी ये प्याज। कई पुराण में आता है कुत्ते का अंडों को से प्याज हुआ है और उसको पंजा से ये लहसुन की पौधा हुई है, इसलिए कोशिश करना इसको छोड़ करके जो कुछ भोजन करे भगवान को भोग लगा करके ठाकुर जी को भोजन करे। जिस घर में ठाकुर को भोग लगता है, कृष्ण खुद कहता है गीते में, उसको घर में कोई दुख कष्ट नहीं है, क्योंकि पैसा से, अच्छे तरह से समझो, हर चीज पैसा से खरीदी करते हैं, पैसा लक्ष्मी है, लक्ष्मी हमारी है ही नहीं, लक्ष्मी नारायण की है। किसकी लक्ष्मी है? ठाकुर का। जो कुछ खरीदी करता है अगर ठाकुर को सेवा में लगा तो लक्ष्मी नारायण की सेवा में लग गई। अगर लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगी ना, घर में लक्ष्मी भी आएगी, घर में दुख कष्ट नहीं होगा, कृष्ण खुद कहते गीता में। अगर ठाकुर को सेवा में नहीं लगाओगे ना, खुद बनाया खुद चट कर दिया। मैंने कहा ना, सुदामा जी गरीबी क्यों बने? बिना ठाकुर को दिए खाए इसलिए गरीब बने। धनी क्यों बने? दो मुट्ठी चिड़वा खाया तो ठाकुर जी त्रिभुवन राज्य दे दिया है। इसलिए कोशिश करना भागवत कथा से ये सब चीज को लेने के लिए कोशिश करना। ठीक है, और क्या करना, हर घर घर में ठाकुर जी की पूजा होनी चाहिए।
किसके किसके घर में ठाकुर जी? हाथ उठाओ तो सही सही बोलो, किसके किसके घर में ठाकुर जी? हाँ, घर में ठाकुर जी की, जो जितने ठाकुर को सेवा पूजा करोगे, स्नान करोगे, ठाकुर जी को खिलाओगे, उसके घर में इतना ही शांति सुख बनी रहेगी। क्यों? ठाकुर कृपा करे तो हर घर में भी सब सुख में रहेगी। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी सुन लो अच्छे तरह से मन लगा करके, ये सही घटना अयोध्या की सुन लो। बोले एक समय एक गुरु और एक चेले थे। चेला छोटा बच्चा था जिसका नाम था रामदास। मंदिर में राम दरबार था। अभी गुरुजी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। बोले बेटा रामदास, ठाकुर को सेवा कर सकते हो अच्छे तरह से? बोले गुरुजी आदेश दो, सेवा जरूर करूंगा। बोले देख बेटा, ठाकुर को बढ़िया से खाना खिलाना। बोले गुरुजी कोई चिंता मत करो। अभी गुरुजी चले गए, छोटा बच्चा कभी देखा नहीं ठाकुर कैसे खाते हैं। उन्होंने रोटी सब्जी बनाई और ठाकुर के सामने उन्होंने धर दिया। बोले ठाकुर जी आओ बैठो और भोजन करो है। लेकिन वो सोच रहा था जैसे हम बैठ करके भोजन करते हैं ना, ठाकुर भी ऐसे बैठ कर भोजन करेंगे। उन्होंने पीढ़ी लगा दी, पतल में उन्होंने दाल सब्जी सब रख दिया। बोले ठाकुर जी उतर और भोजन करो। लेकिन देखा ठाकुर जी उतर नहीं रहे, ठाकुर जी उतर नहीं रहे। बोले ठाकुर जी, गुरु जी बोले अच्छे तरह से खिलाने के लिए, आप तो गुरु जी को हाथ में रोज खाते थे, मेरे हाथ में क्यों नहीं खा रहे हो? इसलिए ठाकुर जी भोजन कर। जो ठाकुर भोजन नहीं किया ना, बोले ठाकुर जी अब अयोध्या गए होंगे, वहां सरज नदी है। बोले ये सरज में मैं प्राण त्याग कर दूंगा। इतने में वो बच्चा गया प्राण त्याग करने के लिए। देखो ठाकुर जी कैसे हैं। इतने में ठाकुर जी हिल गए। ठाकुर जी बोले, ठाकुर भगवान राम बोले, हनुमान जल्दी जल्दी उसको पकड़ करके ला। बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। वो छलांग लगाने जा रहा था, इतने में हनुमान जी पीछे से पकड़ लिए। जब हनुमान जी पीछे पकड़ लिए, बोले देखो ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं? बोले हाँ। जब उन्होंने आए, देखा सचमुच से ठाकुर जी भगवान पहले राम भोजन किए, उसको बाद में माता सीता भोजन की, लक्ष्मण हनुमान, लास्ट में हनुमान जी भोजन, और लास्ट में रामदास ने भोजन किया। जब दो चार दिन उन्होंने सेवा की ना, इतने में वो बच्चा कहता है, बोले ठाकुर जी मेरे से नहीं हो पाया, रोज रोज भिक्षा लाओ, अकेला लकड़ी लाओ, रसोई बनाओ लकड़ी से, फिर पत्ता लाओ, दुना लाओ, मैं अकेला कितना करूंगा बच्चा होकर के। ठाकुर जी बोले बताओ ना क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। बोलते आप घर की पिता हो, आपको ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, थोड़ा दुना और पत्ता ले आओ। बोले मैं कर दूंगा। इतने में मैया सीता बोली, बताओ मुझे क्या करना। बोले आप तो घर की माँ, माँ क्या करती है? रसोई बनाती है। माँ रसोई बनाती है ना, बोले आप रसोई बनाना। बोले 14 साल तक मैं ही तो रसोई बनाई। लक्ष्मण भैया बोले, बताओ मुझे क्या करना। बोले आप थोड़ी जंगल से सूखी लकड़ी ले आना। बोले भैया 14 साल के लिए तुम यही काम किया, सूखी लकड़ी लाता था। हनुमान जी बोले, बताओ मुझे क्या करना। बोले थोड़ी सी आप रखवाली कर लेना। बोले कोई बात नहीं, मैं तो मेरा काम ही है रखवाली करना। अभी बड़े सुंदर वो केवल भिक्षा ले आता है, बड़े सुंदर सेवा चल रही है। कुछ दिन बाद में गुरु जी का एक लेटर आया। बोले रामदास, मैं अमुक दिन आ रहा हूँ, एक टाइम के लिए तुम थोड़ी सी खाने पीने का व्यवस्था कर देना, आ करके मैं देख लूंगा। उसने जा करके माता जी को बोले, माता जी गुरु जी का पत्र आया है, गुरु जी कुछ संतों को साथ में आ रहे हैं। बोले एक टाइम के लिए व्यवस्था कर देना। मैया बोले, क्यों चिंता करती हो, थोड़ा ज्यादा भिक्षा ले आना, मैं तो बना ही दूंगी, चिंता मत करो बेटा, ज्यादा भिक्षा ले आना, गुरु जी को पत्र भेज दो, कोई चिंता मत करो, जितना संत है लेकर के आओ। तब उन्होंने गुरु जी को पास में पत्र लिखा। गुरु जी जो पढ़े, उन्होंने पत्र में लिखा हुआ था, गुरु जी कोई चिंता मत करो, राम पिताजी बड़े सुंदर दोना और पत्ते ले आते हैं, मैया जानकी बड़ी सुंदर सुंदर 56 भोग 36 व्यंजन बनाती हैं, और हनुमान भैया सब काम देख लेते हैं, और लक्ष्मण जी रोज रोज सूखे सूखे लकड़ी ले आते हैं, कोई चिंता मत करो, जितना संत आए ले आओ। अभी माता सीता को तो पता नहीं घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मैया सीता सोची, ये पागल क्या कर रहा है, लक्ष्मी रसोई, मैया सीता रसोई बना रही है, हनुमान जी देखभाल करते, लक्ष्मण गुरु जी को तो पता ही नहीं कुछ, गुरु जी बड़ी चिंता करते हुए आए, छोटा बच्चा पता नहीं क्या किया नहीं किया। जब गुरु जी घर में आए ना, देखा माँ सीता स्वयं बैठ कर रसोई बना रही है, घर में इतने अन्न व्यंजन इतने बना हुआ, घर भरा हुआ पड़ा। जब देखा माता जी कोने में बैठ कर रसोई बना रही है, माता जी थोड़ी सी गुरु जी को देखकर मुस्कुराए, इतने माता सीता जी अंतर ध्यान हो गई, और जैसे विग्रह थे ना ठाकुर जी, ठाकुर विग्रह बनकर, ठाकुर बनकर बैठी गई।
गुरु जी ने पूछा बेटा ऐसे कैसे हो गया। बोले गुरु जी जब आप चले गए ना ठाकुर तो भोजन ही नहीं कर रहे थे, मैंने रोने लग गया, मैं आत्महत्या करने जा रहा था सरज में, इतने में हनुमान भैया पकड़ करके लाए और उसी दिन से बढ़िया सेवा हो रहा है, मैया उसी बनाती है, हनुमान भैया देख लेते हैं। गुरु जी तो चेला जी को बोले चले तेरे जैसे चेला पाकर मेरे जीवन धन्य हो गया है, मेरा जीवन धन्य हो गया है तेरे जैसे चेला पाकर के हैं, इतने सुंदर हमें चेला मिली है। इसलिए कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बोलो जोर से बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं सबरी जैसे तो खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं ब्रज गोपिया जैसे तो नचाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं मैया जसोदा जैसे तो। देखो ये चीज को अच्छे तरह समझो, तुम्हारे घर में जो ठाकुर है उनको एक प्रतिमा मत मान लो, अरे कुछ तो देख नहीं रहा है बैठ रहा है, ये सब देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसलिए ऐसे नहीं हो कि घर का मालिक ये है, ऐसे नहीं प्याज लहसुन डाल डूल कर खा रहे हो और ठाकुर को थोड़ा बाता से और दूध भोग लगा दिए, ये सब देख रहे हैं बैठ बैठ करके, ऐसे मत क्या करना, ठीक है ना। जो कुछ बने बगैर प्याज लहसुन के बनाओ, बढ़िया से ठाकुर को भोजन लगाओ, अभी हींग की तड़का दो हैं, हींग दो उसमें अदरक दो गरम मसाला, कितने तरह का चीज है, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज आती है, उसको डाल करके बनाओ बहुत टेस्ट आएगी हैं। बगैर प्याज लहसुन के जैसे घर में देखो जैसे रोज प्याज लहसुन खाते हो, एक दिन कोई तिथि तिवार आ गई जिस दिन प्याज लहसुन नहीं बनता है, आप देखना खाने में अलग स्वाद आता है, आता कि नहीं घर में, आता कि नहीं अलग स्वाद। इसलिए हर चीज में एक स्वाद है, दाल में एक स्वाद है, रोटी में एक स्वाद है, सब्जी में एक स्वाद, लेकिन प्याज लहसुन डालो ना सारे स्वाद खत्म हो गया, उसमें सारे स्वाद उसमें खत्म हो गया, प्याज लहसुन का बदबू आ गया, बदबू को हमने हमने समझ लिया ये स्वाद, ये स्वाद स्वाद कुछ नहीं है बदबू है, ठीक है नहीं खाने का प्याज लहसुन, ठीक है भगवान को भोग लगा कर खाइयो। इसलिए घर में पूजा करो और क्या करो, ठाकुर जी की नाम जप करो, क्या करना ठाकुर जी की नाम जप करना। देखो हम लोगों ने 7 दिन कथा सुनी, कितना दिन कथा सुनी जोर से बोलो, अभी हम 7 दिन क्यों कथा सुने, ये कथा 8 दिन क्यों नहीं, अभी हम एक सुंदर कथा सुनाता हूँ, ये कथा सुनाने के बाद मैं फिर पूछूंगा, मेरे को बोलना पड़ेगा, ठीक है बच्चों ध्यान से सुनना, हम 7 दिन क्यों कथा ये 8 दिन क्यों नहीं है, ठीक है अच्छे तरह से सुनो। बोले एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार में राजा से मिलने के लिए आए, जब राजा से मिलने के लिए आए राजा सोचे संत क्यों आए हैं, वो पैसा लेने भिक्षा लेने के लिए आएंगे, तब उन्हें 101 रुपया निकाल करके दे दिए। संतो बोले मैं पैसा लेने नहीं आया, कोई जरूरी काम, 1 मिनट के बोले बात करना चाहता हूँ। राजा सोचे शायद बाबा का मन नहीं भरा, तब उन्होंने 501 रुपया निकाल करके दे दिए, लेकिन संत लिए ही नहीं, बोले मैं पैसा लेने आया ही नहीं, मैं तो 1 मिनट कोई जरूरी काम के लिए आया हूँ। उन्हें 1100 रुपया दे दिए, तब भी संत नहीं लिए। राजा बोले मेरे पास में कोई समय नहीं आपसे मिलने के लिए। राजा दुखी होकर रानी को पास में गई, लेकिन रानी को जो पता चला कोई संत मिलने के लिए आए, बोले अंदर मिले। रानी आसन देख रहे बैठा है, बोले बाबा आपकी क्या सेवा करूं। बोले रानी आप ध्यान से सुनो, मैं तो कोई जरूरी काम लेकर के 1 मिनट राजा से बात करने आया था, लेकिन राजा मिले नहीं, बोले मेरे को बोले मैं सेवा कर दूंगी। बोले महारानी आप ध्यान से सुनो, मैं भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से देखा कि जो राजा है ना ये 7 दिनों में मरने वाला, कितना दिनों में 7 दिन में मरने वाला, लेकिन अभी अभी नई नई शादी हुई, घर में रानी अभी अभी आई, अगर किसको बोल तो पति तुम्हारे 7 दिन में मर जाएगा, बताओ क्या होगा। रानी तो सुनकर के दुखी हो गई, बोले क्या बोल रहे हो। बोले बात सही, बोले ध्रुव सत्य है कि राजा 7 दिन में मरने वाला है, इतने में बोले इतनी सी बात बताना चाह रहा था, बोलकर चले गए। रानी तो घबरा गई, एक दासी को बोली जल्दी जल्दी बुलाओ महाराज को। बोले रानी अभी अभी बुला रही है। देखो संत गिड़गिड़ाते हुए चले गए, राजा के पास में 1 मिनट नहीं मिला, लेकिन जब सुना रानी बुला रही है, नई नई रानी आई ना, अभी चंद्रमुखी लग रही है, अभी सूर्यमुखी ज्वालामुखी बनी नहीं अभी, इसलिए जब सुना रानी बुला रही है, सारे काम को छोड़ छाड़ कर भागते भागते आए। बोले रानी क्या जरूरी काम पड़ गया,
मैं अभी अभी तो मैं ऑफिस में गया, बोले कोई संत मिलने गए थे, बोले हाँ, बोले आप उनसे मिले हो, बोले समय नहीं था। बोले महाराज, कहते जब भगवान की कोई विशेष कृपा हो तभी जीवन में सत्संग मिलता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। संत आए आपके पास में, एक मिनट नहीं था, और मैंने बुलाया तो भागते भागते आके बोले बताओ ना बात किया। बोले बात तो बड़ा गहरी बात है, वो संत ये बताए आप 7 दिन में मरने वाले हो। राजा तो सुनकर के भोस उड़ गया, बोले क्या बोल रहे हो। बोले यही तो बात बताने के लिए आए थे, आप सुने ही नहीं। राजा घबराए, घबरा करके बोले जल्दी जल्दी संतों को बुला करके लाओ। अभी संतों को बुला करके लाए, बोले बाबा आप बताया मैं 7 दिन में मरने वाला। बोले हाँ, बोले सत्य है, बोले ध्रुव सत्य है, आज 7 दिन में मरूंगा। राजा घबराए, बोले घबराने का कोई जरूरत नहीं, आपने बहुत दान पुण्य किया है इसलिए आपके लिए अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन स्वर्ग में हर चीज मिलेगी, एक चीज की कमी मिलेगी, वहां पर बहुत बड़े बड़े मच्छर है, लेकिन आप जब रात को सोओगे मच्छर काटते रहेंगे। बोले फिर, बोले चिंता मत करो, वहां मच्छरदान का भी व्यवस्था है, लेकिन और एक कमी है, ये मच्छरदान का कोने में एक छोटा सा छेद, उधर से मच्छर घुस सकते। बोले फिर, बोले फिर क्या, जब आप शरीर छोड़ोगे ना मरोगे, साथ में एक सुई धागा ले चलना, और वो सुई धागा से उसको सिलाई कर दो, बंद हो जाएगा, चैन की नींद आएगी। बोले बाबा आप कह रहे हो मरते समय सुई धागा ले जाने के लिए। बोले हाँ। बोले मरते समय तो यहीं पर जला देंगे, सुई धागा कैसे ले जाएंगे। बोले तेरे को पता है सुई धागा भी नहीं जाएगा। बोले दुनिया को पता है, मेरे को क्या पता, सारा दुनिया को पता है। बोले महाराज मैंने आपको इतनी सी ही बात समझाने आया था, जिस राज कार्य में आप इतने बिजी, कोई संत आए तभी तुम्हारी एक मिनट की फुर्सत नहीं, ये राज्य से जब जाओगे ना एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जाने वाला है, सब यही करके छोड़ कर जाना पड़ेगा। इतने में संत ने बोले ये बताओ, जब 4 व्यक्ति अंतिम समय में कंधे पर ले जाएंगे क्या बोलते बोलते ले जाते हैं। बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले इसका मतलब क्या है। बोले इसका मतलब है जीवन में जितने राम और कृष्ण का नाम लिया वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया हो तुमने झूठे में बिताया, झूठे में बिताया, यहाँ से सुई धागा भी नहीं जा रहे। बोले महाराज ये बताओ, आप कह रहे हो सब कोई बात झूठा है, राम नाम कृष्ण नाम सत्य है, आप सत्य के लिए कितना समय दे रहे हो और झूठे के लिए कितना समय दे रहे हो, आपकी यही चीज मैंने समझाने आया था। बोले आप कान खोल कर सुनो, देखो आप ध्यान से सुनो, इसमें एक बहुत बड़ी रहस्य बात छुपा हुआ, अच्छे तरह से आप भी समझो, भैया लोग आप लोग भी समझो, बड़ी अच्छी रहस्य छुपा हुआ है। राजा ने कहा, संत ने कहा देखो मैंने ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में तुम मर जाओ, मैंने ये नहीं बताया था, क्या बताया था बोलो जोर से, 7 दिनों में मरोगे, मैंने ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में मर जाओगे, 7 दिनों में मरोगे। 3 7 ही है, 3 8 नहीं, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 3 7 ही है। जब हम मरेंगे ये 7 दिनों में एक ना एक दिन मरेंगे हम, 7 दिन बाद में नहीं मर जाओगे, अब समझ गए कि नहीं, पल्ले में पड़ोगी नहीं। क्या बोले 7 दिन के बाद में नहीं मरोगे, क्या बोला 7 दिनों में मरोगे, 3 7 8 ही नहीं होता है। जब हम मरेंगे एक दिन ना एक दिन मरेंगे, हाँ 7 दिन बाद में नहीं मर जाओगे, मैंने ये नहीं बताया 7 दिन में मरेगा, लेकिन राजा क्या सोच लिया 7 दिन बाद में मर जाएंगे। जब उन्होंने ये बात समझा है ना, राजा तो आधा ही मर गया था, फिर दो बार प्राण आ गया शरीर में, उसके प्राण दो बार आ गया। देखो मेरे सामने देखो, संत ने राजा को यही माला झोली पकड़ाया, बोले महाराज ये माला झोली लो, भजन करना यही अंतिम समय में काम में आएगा, कोई भी यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ में जाने वाले नहीं। जब ये चीज समझा है ना, राजा का जीवन परिवर्तन हो गया, एकदम जीवन परिवर्तन हो गया। उसने संत से माला लिया, बोले महाराज आज से मैं प्रभु का भजन करूंगा, आप तो मेरे जीवन बदला दिया, मेरे को दिव्य ज्ञान प्रदान की। इसलिए जो भागवत कथा है ना, कितने दिन हम लोगों ने सुने, इसलिए 7 दिन है, मतलब 7 दिन में एक ना एक दिन मरेंगे। लेकिन भागवत का जो अंतिम श्लोक है, देखो ये अंतिम श्लोक क्या कहता है, आप मेरे पीछे पीछे बोलो, ये श्लोक बोलोगे तो भागवत पूरी हो जाता है, ये अंतिम श्लोक है, आप मेरे पीछे बोलो,
बोले नाम संकीर्तनम जस्य नाम संकीर्तनम यस्य जोर जोर से बोलना बोले नाम संकीर्तनम जस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम प्रणामो दुख समनम प्रणाम दुख समनम प्रणामो दुख समनम स्तम नमामि हरिं परम स्तम नमामि हरिं परम स्तम नमामि हरिं परम स्तम नमामि हरिं परम। यदि अगर ये भागवत का अंतिम श्लोक अगर इसको बोल दिया ना भागवत का पूरी फल आपको मिल गया। क्यों ये अंतिम श्लोक? इसमें कहते हैं भगवान के नाम संकीर्तन से ही हमको शांति सुख जो कुछ जीवन में मिलेगा प्रभु का नाम से मिलेगा और जितने पाप हमारी प्रभु का नाम से खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए आप लोग सबके सब हरि नाम करना। सब जो माला लिए लिए जिसकी इच्छा होगी अंतिम समय में आपका हम माला दे दूंगा जो लेना चाहते हैं और जो गले में जो कंठी पहनना चाहते हो उनको ही देंगे, जो प्याज लहसुन को जो नहीं खाओगे उनको ही देंगे हैं। इसलिए अभी कृष्ण रुक्मिणी को ले आओ भैया, जाओ कृष्ण रुक्मिणी ले आओ। हाँ बोलो बोलो। और कृष्ण रुक्मिणी तैयारी कर ले आओ। और आज जो एकादशी है ना भाई लोग, आज एकादशी का भी उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था किया। क्या प्रसाद किया प्रभु जी? फल है, केला से पिट्ठे की मिठाई है। चखा चखा, जोर जोर ताली बजाओ। अब सब है छुट्टी के पकड़े भी बनाए। ठीक है, आदरणीय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सब लोगों ने इस 7 दिन कथा सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कथा करने में कुछ भाइयों ने बहनों ने कुछ सहयोग दिया, मैं उनके नाम बोल देना चाहता हूं। कोई छूट जाए तो अक्षमा करना। 1100 रुपये सोनिया सनू बालिंदर त्यागी, 2100 रुपये धर्मदत्त त्यागी जी, 1100 रुपये पिंकी मुकुलदासी जी, 1100 रुपये इनकी माता जी, 2100 रुपये सट्टू राधेश्याम जी, 3100 रुपये नील श्री चक्की वाले, 2100 रुपये जगदीश चक्की वाले, 1600 रुपये बालेंद्र जी, 5100 रुपये भूरा भाई भूरा गौरव त्यागी सनोप जय कुमार त्यागी, 5100 रुपये विकास प्रधान जी, 11000 रुपये अनुज त्यागी सनोप राजकिशन त्यागी, 3100 रुपये हरपाल प्रधान जो वर्तमान प्रधान हमारे गांव के, 1100 रुपये बबीता त्यागी अशोक त्यागी जी की बहन है, 2100 रुपये मनोज गर्ग जी हैं सहारनपुर, 2100 रुपये विदेश त्यागी जी हैं, 2100 रुपये मुनेश त्यागी जी सीट के, 500 रुपये अनुज सनोप रमेश त्यागी जी, 2100 रुपये राजीव त्यागी पूर्व त्यागी सहारनपुर, 1100 रुपये शुभम त्यागी गलोली, 201 रुपये महिपाल स्वामी जी, 251 रुपये दिनेश त्यागी जी और विपिन गर्ग जी ने भी गुप्त दान दिया है। अभी इनमें से जो लोग यहाँ कुछ उपस्थित हैं, गुरुजी के श्री अपने हाथों से मैं उन्हें एक एक गीता भेंट करानी चाहूंगा। जिनका नाम लिया ना सब आ जाओ मेरे पास में। अभी जो उपस्थित है मास्टर राजकुमार जी, हाँ ये गीता को लेकर के आप लोग जरूर पढ़ना, आज बहुत बढ़िया दिन है, गीता जयंती है। ये जो आपने सहयोग दिया बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सहयोग दिया उनका धन्यवाद और जिन्होंने कथा सुनी उनका उनसे भी ज्यादा धन्यवाद। हाँ जो कथा सुनी उनके लिए जोरदार ताली बजा। और देखो जो हम लोग यहाँ से जाते थे सहारनपुर, सहारनपुर से यहाँ आते थे जो गाड़ी में जाते थे ना, जो नुपुर दीदी इनका जो पति श्री नवीन प्रचार करते हैं हमारे गुरु जी की, एक बड़ोत को उन्होंने बहुत प्रचार किए, जगह जगह पर हरी कथा बोलते हैं बहुत, इसलिए उन्होंने पूरा गाड़ी एक ड्राइवर को दे दिया, बोले जाओ
महाराज जी रोज गाड़ी में जाए और ड्राइवर जी रोज ड्राइवर गाड़ी दे दिया हम लोगों के लिए, इसलिए उनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ श्री नवीन प्रभु के लिए। ठीक आप जब ऊपर आ जाओ, आ जाओ अपने सामने इधर आ जाओ। ये जो इन्होंने सहयोग किया इसके बाद जो खर्चा बचा वो श्री अशोक त्यागी जी, राजीव जी, विपिन अग्रवाल जी, अब जरूर गीता को शुभम त्यागी गीता रोज रोज गीता की एक श्लोक पढ़ना और उसको व्याख्या भी पढ़ना सब। संजीव धीमान जी फटाफट हाँ जल्दी जल्दी प्रभु जी सबका नाम ले लो, प्रभु जी फटाफट सबका नाम ले लो। अशोक त्यागी जी वहां से कुछ गीता दे दो, कोई जिनके घर पे तो है नहीं, हाँ जो सहयोग वाले कोई भी है नहीं ना, कोई अक्षमा अगर कोई हो सहयोग वाले यहाँ है नहीं ना, मुझे पता कोई उनके घर भिजवा देंगे ना, आपको जरूरत नहीं, आपके घर बहुत गीता है। महिपाल स्वामी जी, दिनेश भाई जी है क्या, दिनेश भाई जी है ना कोई, नवीन त्यागी जी। हाँ देखो यहाँ पर हमारे कुछ भक्त लोग हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छे काम, जैसे भैया गए हमारे हिंदू धर्म रखा हो इसलिए इन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत ये बेड़ा उठा रहे हैं, जा जाकर गांव गांव में प्रचार करते, और भी कुछ भाई यहाँ के, इसलिए कौन कौन है हिंदू धर्म के लिए जो जा जाकर के बहुत अक्लांत परिश्रम करते हुए हमारे हिंदू धर्म के लिए ये प्रचेष्टा करते हैं, ठाकुर जी इनको कृपा करो। हाजी का लड़का विक्की त्यागी, विक्की त्यागी जो कृष्ण रुक्मिणी है ना, तैयारी हो गया तो उनको बोलो ले आने कृष्ण रुक्मिणी भैया, अगर कृष्ण रुक्मिणी तैयारी हो गई उनको ले आ, कुछ गीता निकाल कर कृष्ण रुक्मण को ले आओ भैया, ऐसे दिव्य ग्रंथ है जिसके घर में केवल ग्रंथ रहे ना उसको घर में ठाकुर का निवास है, इसको साधारण पुस्तक मत समझो, जिस घर में गीता रहेगा उस घर में ठाकुर का निवास है। और किस किस का नाम है क्या, राधे श्याम जी नहीं है, राधे श्याम जी है, राधे श्याम जी तो माला यहाँ से कृष्ण रूप, राधे श्याम जी है क्या बेटी, है क्या राधे श्याम जी की लड़की है क्या, जय जय श्री राम। हाँ इसमें कृष्ण कौन और रुक्मिणी कौन है, ये है बीच में कृष्ण, तो रुक्मिणी हो कृष्ण ही है, तो ये माला ले लो, ये माला ले लो और माला बदला करा। हाँ सब के सब ताली बजाना, हाँ ताली बजा, श्री रुक्मिणी रामायण भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। प्रभु जी, प्रभु जी ये जो हवन होगी ये साधारण हवन नहीं है, हैं इसमें जितने भागवत में जितने भक्तों का नाम आप लोगों ने सुने हैं उनका नाम से ये हवन होगी, ये भक्ति मिलेगी। और देखो ये जो हवन होगी इसमें भगवान नरसिंह नाम पर नरसिंह कवच से हवन होगी, ये जो नरसिंह कवच में इतने शक्ति है जैसे प्रहलाद के ऊपर में बड़ी बड़ी विपत्ति आई लेकिन नरसिंह देव की कृपा से सारे विपत्ति टल गई, इसलिए वो हवन में अगर थोड़ा सामग्री अगर ला सकते हो थोड़ा सामग्री लेकर के आना और हवन में आहुति डालना,
और देखो उसमें नारायण कवच की हवन होगी। किसकी हवन होगी? नारायण कवच है ये जो नारायण कवच, ध्यान देकर सुना इधर, ध्यान देकर सुनो, ये जो नारायण कवच के जो हवन है, जब ये इंद्र को ऊपर में बड़ी भारी विपत्ति पड़ी, ये नारायण कवच से ही इनका विपत्ति दूर हो गया था, इसलिए ये हवन में जैसे किसके काल सर्प की जोग है, किसको उल्टा पुल्टा ग्रह की जोग है ना, अगर इसमें कोई आहुति देखो सारे तुम्हारी क्लेश दूर हो जाएगी। वो साधारण हवन नहीं है, वो विशेष हवन है, ये वैष्णव हवन है, इसलिए अगर आप लोग कोशिश करना